टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, मजे से होंगे। और आप लोग ये भी हैरान हो रहे होंगे आज हमारे होस्ट कहाँ हैं, असफर कहाँ हैं। असफर थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, थोड़ा सा, क्योंकि कल उनको ट्रैवल पे थे एंड ट्रैवलिंग ही वॉज ऑन ट्रैवलिंग। तो अभी वापस आए हैं वो, तो थोड़ा सा थोड़ा सा लेट हो गए। डजेंट मैटर, मैं हूँ ना आपके पास आज। तो आप लोग सुनाएं कैसे हैं आज, मौसम कितना खूबसूरत है एंड इतना सो मच क्लाउडी कि आज मज़ा आ गया। एंड आप लोग भी इन्जॉय करेंगे मौसम को जैसे मैंने इन्जॉय किया रास्ते में। इट वॉज रियली प्लेजेंट एंड इट्स रियली ब्यूटिफुल मौसम। अच्छा जी, अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये क्या पी रही हूँ, तो ये मैं पी रही हूँ गर्म पानी, क्योंकि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा हाइड्रेटेड होना चाहिए एंड फ्रेश होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, जैसे मैं हमेशा होती हूँ। एंड मेरे होस्ट भी बहुत ज़बरदस्त एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ एनर्जी वो आते हैं, बिकॉज सुबह सुबह गर्म पानी पीना बेस्ट होता है। अच्छा, कुछ लोग वाटर ड्रिंकर्स नहीं होते, तो आप लोग सुबह फ्रूट्स भी ले सकते हैं एंड कॉफ़ी ले सकते हैं, लाइक ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। ठीक है, शुगर तो वैसे ही इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्पेशली वाइट शुगर। तो आप लोग क्या किया करें, गर्म पानी ले लें, कुछ भी नहीं डालें इसमें। शहद आप लोग डाल सकते हैं, लाइक 1 teaspoon या हाफ अ टीस्पून आप लोग शहद डालें। अच्छा, मैं क्या करती हूँ अर्ली मॉर्निंग, लाइक माई मॉम, जो मेरी माँ करती हैं, वो करती हैं सुबह एक चुटकी जो होती है वो कलौंजी, एक ऑलिव, ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लेते थे, ठीक है, और एक चुटकी आपकी कलौंजी हो गई और गर्म पानी हो गया। ये बेस्ट होता है, आपको हाइड्रेटेड भी रखता है, आपको फ्रेश भी रखता है और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी रखता है। तो आप लोग ये रोज़ लिया करें सुबह, अर्ली मॉर्निंग बेस्ट होता है, और हाइड्रेटेड रहा करें, ताकि आप लोग कभी कभी आप लोग सुबह सुबह बहुत लोग चिड़चिड़े भी होते हैं, बहुत क्रैंकनेस मूड भी होता है कुछ लोगों का, लेकिन अगर आप लोग सुबह उठते ही पानी पियेंगे 2 glass या 2 cup, आप छोटे छोटे कप्स भी रख सकते हैं, साइड में आपका थर्मस रखा हुआ है, उठ के आप वो लोग पी लें, तो आप लोग का क्या होगा, आप लोग एनर्जेटिक रहेंगे, तो इस तरह से और खुश भी रहेंगे, क्योंकि सुबह सुबह आप लोग देखिए मैं कितना एनर्जेटिक रहती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह एकदम। अच्छा, कुछ लोग ये भी होता है, मैं आपके थोड़ा बीइंग अ शेफ तो मैं आपसे थोड़ा ब्रेकफास्ट में भी बात कर लूँ। सुबह का तो ये हो गया कि आप लोगों ने अर्ली मॉर्निंग ये पानी लेना है, पानी पीना, हाइड्रेटेड रहना है, लेकिन ब्रेकफास्ट कुछ लोग स्किप करते हैं। कुछ लोग ब्रेकफास्ट स्किप इसलिए करते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं या हमारा वेट पुट ऑन हम करेंगे अगर ब्रेकफास्ट के नहीं। देखें, सारी रात आपका जो स्टमक होता है वो एम्प्टी होता है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ ब्रेकफास्ट। हमेशा एक ब्रेक, हमेशा एक कहावत नहीं है कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, किंग की तरह आप लोग ब्रेकफास्ट करें, क्वीन की तरह आप लोग लंच करें और बेगस की तरह आप लोग डिनर करें। तो ये सबसे बेस्ट यही होता है, क्योंकि आपका सारी रात पेट आपका एम्प्टी होता है, तो यू नीड समथिंग टू ईट इन अर्ली मॉर्निंग। तो आपको सुबह ब्रेकफास्ट बड़े रच के करना चाहिए, कुछ भी खाएं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट, लाइक आपको पूरी खानी है, आपको पराठा खाना है, आपको ब्रेड लेना है, आपने कुछ भी लेना है, बटर, जैम, चीज़, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट, यू कैन हैव इट इन ब्रेकफास्ट। एग्स ले लें, स्क्रैम्बल्ड ले लें। अच्छा, जो डाइट पे हैं तो वो भी स्क्रैम्बल्ड एग ले सकते हैं, प्लेन ऑमलेट ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल में 1 teaspoon ऑमलेट आप बना के खा लें, एक टोस्टेड ब्रेड ले लें, उसमें हल्का सा अनसॉल्टेड और मार्जरीन ले लें, तो यू कैन हैव इट विथ टी, विथ कॉफ़ी, जूसेस, वॉट एवर, लेकिन ब्रेकफास्ट आप लोग किंग की तरह कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग लंच में हल्का फुल्का सा सैलड ले लीजिए, क्योंकि क्वीन ज़्यादातर सैलड्स लेती हैं, चिकपी सैलड ले लिया, लेटस ले लिया, लेटस रैप्स ले लिए, क्योंकि हल्का फुल्का होता है, क्योंकि क्वीन तो मैं आपको पता है थोड़ा सा वो डाइट कॉन्शियस भी होती हैं। चले, अब तक मैं क्वीन पे थी, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड। जबरदस्त, वेलकम बैक। इनका म्यूजिक मुझे इतना मजा आता है कि मैं सब देख लगता है लव टू डांस, यू नो। अच्छा जी, आज जो हमारे शो पे खवातीन जो आती हैं, हमारे जो मुल्क में बहुत सारी खवातीन हैं जो अपने घर से बैठ के काम करती हैं, कोई फूड एक्सपर्टीज में होती हैं, कोई ज्वेलरी डिजाइनर्स होते हैं, कोई ड्रेस डिजाइनर्स होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने एक्सपर्टीज
हमारे साथ शेयर करते हैं और जो घरों से बैठ के काम करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा ये लोग लाइक परफॉर्म भी करते हैं और इनके ऑर्डर्स भी बहुत आते हैं. मतलब यू नो लवली पीपल एंड आई लव टू आप लोगों से मिलवाना भी चाहती हूँ. आप लोगों से मैं इनको वो भी बताना चाहती हूँ कि लोग किस तरह काम करती हैं. तो हमारे साथ जो हैं वो हैं इरम खान जिनका गुड़िया आई थिंक गुड़िया का किचन. अच्छा गुड़िया का किचन के नाम से इनका पेज भी है और ये काम करती हैं. लेट्स मीट हर. तो आपने कब से शुरू किया, कैसे शुरू किया, कहाँ से शुरू किया और क्या दिमाग में आया कि आपने ये काम करना है? मुझे बस इसलिए आया दिमाग में कि एक तो मुझे शौक था. ओके मतलब खानदान से भी होता है ये कि खानदान वाले जब पकाने वाले हों तो उसी से शौक बढ़ जाता है. अच्छा तो बस उसी में पका के बस इतना शौक आया और फिर आगे जो है शुरू में मसरूफियतें ज़्यादा थी. बिल्कुल छोटे बच्चे थे फिर बड़े बच्चे हुए तो फिर. अच्छा ये सब काम आपने शुरू किया या करने से पहले कोई प्रॉब्लम्स आई है? होता है ना बहुत सारी चीज़ों में मतलब लाइक ससुराल होता है कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कोई सपोर्टिंग नहीं करता कुछ इस तरह होता है कोई सपोर्ट नहीं करे या ये वो आपने बड़ा मुश्किलों से किया हो? नहीं बहुत बहुत ससुराल भी बहुत अच्छी शौहर भी बहुत अच्छे माशाल्लाह. तो आपने इसलिए तो नहीं कह रही कि टीवी पे देख रहे? नहीं नहीं मेरे शौहर बहुत बहुत ही अच्छे हैं तो उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ. तो उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ. अच्छा जाहिर सी बात है जब तक सपोर्ट नहीं होगी तो जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते. औरत जब खड़ी होती है तो उसको मतलब शादी से पहले माँ बाप की जरूरत होती है. बिल्कुल ऑफ कोर्स. और शादी के बाद जो है शौहर क्योंकि शादी से पहले माँ बाप सारे सपोर्टर्स होते सब शादी के बाद आपके ससुराल आपके हस्बैंड एवरीबॉडी सबको लेके चलेंगे तो हम सब सेट रहेंगे वरना तो एक को लेके हम नहीं चल सकते. बिल्कुल सबको लेके चल रहा है. तो आपकी एक्सपर्टीज क्या है मतलब क्या चीज? मेरी जो है वैसे तो हम जितने भी खाने होते हैं चटपटे खाने कहेंगे या देसी खाने तो उस तरीके के खाने मैं बनाती हूँ. अच्छा हाँ तो आज आप क्या बना के लाई हैं? ये वैसे शामी कबाब हैं. ओके और ज़ाफ़रानी बिरयानी. ओके वो यहाँ तक खुशबू आ रही है ज़ाफ़रान की. जी अच्छा आपको ये ज़ाफ़रान कहाँ से मिला और ओरिजिनल मिला है? जी मेरा बाहर से आता है ज़ाफ़रान. ये दैट्स ग्रेट ये तो अच्छा है. तो आपके जो घर में सबसे ज्यादा क्या पसंद किया जाता है जो आप बनाती हैं? सबसे ज्यादा यही पसंद की जाती है मेरी. हाँ वैसे तो सारे ही खाने सब बहुत शौक से खाते हैं लेकिन ज़ाफ़रानी बिरयानी बहुत मेरे बच्चों को पसंद है. हाँ तो वो बहुत ज़्यादा क्योंकि खुशबू यहाँ तक आ रही है शायद बच्चों तक भी जा रही होगी. घर में रख के आई हूँ पका के उनके लिए. मैं यही बुलवाना चाह रही थी घर में जरूर रख के आई हूँ. जरूर रख के आई हूँ. छोटा वाला बेटा मेरा बहुत ज़्यादा खाता है वो जब मैं बनाती हूँ तो वो दो दिन तक वो बस यही खाता रहेगा. हाँ देखें मतलब लवली किड्स एंड माशाल्लाह लकी जी. एंड और बताएं आपके पेज के बारे में बताइए. बस मेरा पेज है मेरा पेज जब मैंने स्टार्ट किया था वैसे तो मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था. अच्छा लेकिन मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था. अच्छा तो फिर उसके बाद अब मुझे 2 साल हो गए हैं तो मुझे KWE का जो है प्लेटफॉर्म मिला है शमा का. दैट्स ग्रेट. जी तो वो औरतों के लिए ही काम करती हैं तो जाहिर सी बात है तो उन्हीं की वजह से मैं आज यहीं पर मतलब समझे मेरी सीढ़ी है पहला कदम है मेरी. चले दासगिरी सबके देखो सबके हर कामयाब औरत के पीछे हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का होता है एंड हर कामयाब औरत के पीछे भी औरत का होता है. तो अब ये मेरा पेज बने में 2 साल हो गए. अच्छा, okay. तो अल्लाह का शुक्र है बहुत मतलब लाइक्स भी बहुत है मेरे पेज पे और बहुत अच्छे. और अच्छा आपका डिलीवरी सिस्टम है आप डिलीवरीज करवाती हैं? जी अच्छा मेरे अपने राइडर हैं अगर राइडर अवेलेबल नहीं होते तो भी बाइकिया. अच्छा बाइकिया ठीक है. बाइकिया से भी क्योंकि जाहिर सी बात है खाने का आइटम होता है तो जल्दी पहुंचना होता है तो अगर राइडर वो देर हो जाती है तो भी मैं बाइकिया करवा देती हूँ. अच्छा तो बाइकिया भी सेफ होता है. अच्छा ओके तो वो उसमें भी चले जाते हैं वरना हमारे अपने पेज पे भी राइडर्स हैं जो मतलब खाना वगैरह ले जा सकते हैं आसानी से. सही अच्छा राइडर्स आपके हैं जी. चले दैट्स ग्रेट. चले अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं आई थिंक आमना है असमा. असमा ओके असमा है आप ब्यूटी डिजाइनर हैं एंड सो लवली इतना मुझे अपीलिंग लग रहा है इतना मतलब खिंचती चले आने का दिल चाह रहा है. आपके खाने भी मैं टेस्ट जरूर करूंगी. हम इनकी तरफ चलते हैं. वालेकुम अस्सलाम. वाओ इट्स ब्यूटीफुल. जी आप बताइए. अच्छा जी मेरे मुझे स्टार्टिंग करे हुए तकरीबन 20 ईयर्स हो गए और ये मेरा टोटली हैंडमेड काम है और होम बेस्ड बिजनेस है. अच्छा ओके और जिसमें माशाल्लाह से मेरा टोटली मतलब डिजाइनिंग क्रिएशन जो भी इसमें वो लग रहा है जी सब ये देखिए अब आप ये देखें सब ये टोटली मेरा इटैलियन डो वर्क होता है जो मैं खुद कुक करती हूँ ग्लू के साथ और उसके बाद मैं इसके फ्लावर्स बना के इसकी पेस्टिंग वगैरह. दिखाइए कौन दिखा रहे हैं सो ब्यूटीफुल खूबसूरत
तो ये टोटली मेरा ऑर्डर वर्क होता है। अच्छा, ओके। और ये इसमें ज्वेलरी है, फ्लावर्स अरेंजमेंट्स हैं, जिसमें आजकल जैसे उम्रे और हज पे से जैसे लोग आ रहे हैं, वो गिव अवेज जो होते हैं, मिलाद के लिए भी आप करती हैं, सब चीजें माशाल्लाह से मेरा टोटली ऑर्डर वर्क होता है। तो उसमें जो भी आपकी डिमांड होगी उस हिसाब से मैं उसको रेडी कर देती हूं। ये आई थिंक वो सॉफ्ट ब्यूटीफुल, दिस इज सो नाइस, कितना खूबसूरत लग रही है, क्रिएटिविटी जो होती है ना, आई जस्ट लव दैट। और ये ऐसा है कि ये वॉशेबल भी है। हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, ये तो सब घर में बॉटल्स होती है, आराम से कर सकते हैं कुछ ना कुछ सी। कितनी क्रिएटिविटी, कितनी चीजें तो आपको अपने घर से मिल जाती है। जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स होते हैं, उनकी कुछ बर्तनों में क्रैक्स आ गए, ग्लास हो गए, तो डैम, तो वो यही कहते हैं कि इस पर अरेंजमेंट कर दी, हमारी निशानी है, हमने नहीं किसी को देना है, जी तस्वीर नहीं बनाती हूँ। ये जैसे आजकल मैं सिर्फ बताने लाई थी, जैसे वो प्लेट बना रहे होते हैं तो उसमें उसके साथ जी उसमें खजूर और चॉकलेट्स के अलावा लोग तस्बीह और मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करवा रहे होते हैं। मिलाद में या बेटियों की शादियां होती हैं उसमें तो खैर माशाल्लाह से पूरा सेटअप वो जैसे मेहंदी माइयों के थाल बनते हैं तो उसमें मेहंदी का वो होता है, फिर निकाह का पेन और उसके अलावा वो लुकिंग मिरर जो बहुत सारे सबके। अच्छा, मैं एक मिलाद में गई थी, उनकी बेटी की शादी से पहले मिलाद रखते हैं ना बड़ा, तो उन्होंने सीपियां जो होती शेल जी उसको उन्होंने फुल उन्होंने नेटिंग में डेकोरेट करके उसको बड़े पर्ल्स लगाए, फिर अंदर चॉकलेट्स थी, छोटी सी एक वो पता नहीं कोई बुक थी क्या थी, वो बिल्कुल लुक आ रहा था उसका और छोटी सी तस्वीर थी, उन्होंने बिल्कुल यूज सजा के पूरा रैप करके उन्होंने नेटिंग पे, इतना खूबसूरत लगा था, वो गिव अवेज रखे हुए थे और वो तो इसी तरह की प्लेट्स भी थी। जी बिल्कुल। अब देखिए, जैसे मैं ज्यादातर जैसे यासीन शरीफ बना रही होती हूँ तो लोग जैसे इसको ज्यादातर उसके अलावा माइयों मेहंदी में भी बात होते हैं कि उससे होता है, आप जब भी पढ़ते हैं तो जिन्होंने बनवाया तो उनको आप दुआओं में याद रख आपको जैसे बता सकती हूँ कि इस तरह इसकी किस तरह इसकी सेटिंग होगी, बिल्कुल बनाई और कितना टाइम लगता है आपको इस सब बनाने में, जैसे इसमें आपको कितना टाइम लगा होगा इसमें जो है। चले, हम इतने ये इनसे बात कर रहे हैं, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, स्टे ट्यून, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक, एंड हम कहाँ पे थे, हम ज्वेलरी पे थे, लेकिन अब हमारे होस्ट आ चुके हैं, बहुत लेट हो गए हैं तो हम उनके तरफ चलते हैं। जी आप कहाँ रह गए थे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हजरात, माजरत के साथ आप, मैं थोड़ी देर क्या लेट हो गया, आपने तो पीछे पूरी सेटिंग बना ली, पहले तो ये होता था कि असफर ये देखे ये दिखाए वो दिखाए, अब आते ही आप अब तैयारी पकड़िए। सबसे पहले तो माजरा था, मुझे थोड़ी सी देर हो गई, एक्चुअली मैं ट्रैफिक में फंस गया था। सबका यही होता है ना, ट्रैफिक में फंस गया। लेकिन असफर वाकई क्या, अब देखिए वो कहाँ का ट्रैफिक था, अब छोड़ दे, एयर ट्रैफिक भी हो सकता है, सही, है ना? नहीं, मेरी फ्लाइट थी वो लैंड करनी थी लेकिन वो 2-2.5 घंटे डिले हो गई, तो फिर थैंक गॉड 2-2.5 घंटे ही डिले। चले, शुक्र है साथ खैरियत के साथ पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। लेकिन मैं भी चूंकि शो को होस्ट करता हूँ, अस्मा आपको, इरम आपको वेलकम कहता हूँ शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ने वक्त निकाला शो के लिए। नौरीन तो बहुत सारी बातें आपसे ऑलरेडी अपने मकसद के तहत कर चुकी है, लेकिन अब हम लोगों की हमेशा से एक कोशिश होती है कि हम लोग जितने भी आपकी तरह के शानदार पाकिस्तानीज हैं उनको हम अपने ऑडियंस तक लेकर आए। अस्मा मुझे एक बात ही बताइए, आप चूंकि मैं सुन भी रहा था जब नौरीन आपसे बात कर रही थी, ये काम जब आपने स्टार्ट किया था तो आपके घर वाले कितने सपोर्टिव थे? देखिए, मेरे जब फादर के इंतकाल को 23 साल हो गए और मुझे काम स्टार्ट करे हुए भी इतने ही अरसा हो गया, क्योंकि मैं सीख रही थी। आपके इंतकाल को 23 इयर्स हो गए और अभी आप 24 साल की है, मतलब 1 साल की जब ये हुआ मतलब मुझे एक शौक था बचपन से, जब अच्छा। मैं मतलब थी छोटी तो मेरी अम्मी मुझे बताती हैं कि जैसे मुझे गुड़ियों के ज्वेलरी बनाने का बहुत शौक था, कि मोतियां जमा करना, पर्ल्स वगैरह ना, इस टाइप की चीजें शायद ही गॉड गिफ्टेड होती है ये सब चीजें, गुड़िया की ज्वेलरी बनाती, हाँ गुड़िया की बनाती थी इनकी या आपकी ज्वेलरी बनाते हैं? डॉल्स वगैरह की जैसे होता था वो बनाती थी, तो फिर माशाल्लाह से सीखती गई, फिर माशाल्लाह से मैंने मेमन फाउंडेशन में भी सिखाया, फिर मैंने सेंटर जेल में खवातीन जो कैदी औरतें थी उनको जाके सिखाया जी, वहाँ जब मैं क्लास लेने जाती थी तो वहाँ की तो एक अलग ही दुनिया थी, तो मतलब मैंने जो जिंदगी को जो सीखा और जो पढ़ा है वो मैंने शायद वहीं से पढ़ा। आपको पता है सेंट्रल जेल के अंदर जो खवातीन होती है, अगर वहाँ छोटे बच्चे होते हैं
तो इतने से कई सारे ऐसे बच्चे जो कि बाहर कभी आए नहीं है। आए नहीं जी बिल्कुल, वो वहीं पैदा हुए, वहीं पे पैदा हुए, मतलब वो कह रही हूँ ना वहाँ की दुनिया ही अलग है। तो मतलब देख के दुख भी होता है, लेकिन मैं कहती हूँ हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें अपने रब का कि हम अल्लाह मियां ने हमें आज़ाद पैदा करा। मतलब उनको देख के आपको हर चीज़ की कदर होती है कि हम अपनी मर्जी से खा रहे हैं पी रहे हैं। वो कि उनकी जब मैं गई थी तो वो लोग यही कहती थी, अच्छा वो ये होता था कि उनसे सब चीज़ें वापस काउंट करके लेनी होती जैसे सीजर और ये टूल्स वगैरह, क्योंकि वो यही कहते थे भाई इन लोगों को आपस में ये लोग एक दूसरे को कुछ नुकसान ना पहुँचा दें। ये तो मेरी जब मेरी ये ड्यूटी होती थी कि मैं काउंट करके दूँ और काउंट करके वापस चीज़ें लूँ, क्योंकि ऐसी बात है फिर वो नेक्स्ट क्लास के लिए सब चीज़ें, तो ये बहुत जिम्मेदारी होती थी कि अटेंशन रहना पड़ता। लेकिन उन लोगों ने सीखा बहुत अच्छा और उनको सिखा के मुझे मज़ा भी बहुत आया। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो ये शेफ नौरीन भी हमें यही बता रही होती हैं कि जब कह रही हैं कि जो वो जब आप टीचर का एक उसमें आते हैं, टीचर के शूज में जब आप आते हैं सिखाते हैं तो वो बड़ा आपके लिए हम उससे भी खुद भी बहुत सीख रहे होते हैं। अब जैसे मैं किसी को एक फ्लावर बताती थी मेकिंग करना, अब जब वो 30-40 लड़कियाँ जब वो बना के लेकर आती थी तो हर अल्लाह मियां ने सबको तो अपना अपना टैलेंट दिया है, तो वो फिर उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखती थी। तो मैं कहती हूँ जितना मैंने उनको सिखाया तो उनसे भी मैंने उतना ही सीखा है। अच्छा अस्मा मुझे बात बताइए, ये जो डेकोरेशन का काम होता है इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए जी, बिल्कुल ऐसा। कभी तो ऐसा वक्त आता होगा कि जब आप दिमाग थक जाता होगा, कोई नई सोच नहीं आ रही होती होगी और कोई क्लाइंट कह रहे कि अस्मा कुछ नया करके दो भाई। अच्छा देखिए मसला ये कि माशाल्लाह से मेरे पास टाइम होना तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अब जिनकी फ्लाइट है या जिनकी शादी है, अब कुछ ऐसे जैसे अभी मैं दो तीन, ये जो मेरा पिछला हफ्ता गया इतना बिजी गया है कि मैं एक दिन पिकनिक पे गई थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे की सुबह मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया कि भाई वो बैंगल्स बनाने हैं शादी में, और टाइम कितना है सिर्फ सैटरडे का। और आप यकीन करें मैं उस दिन मेरा टीवी पे एक और प्रोग्राम था वहाँ था, फिर मेरी एक हाइडी थी वो मैं ऑफिशियल, क्योंकि मेरा ये मैं हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन की वो एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ तो मुझे वहाँ भी जाना था। आई हूँ घर आके काम करना शुरू करा, आप यकीन करें सुबह के 9 बजे ना मेरी बस हो गई थी बस कि मतलब अब नहीं होना, नमाज पढ़ी काम करा, आखिर में भी 2 रह गई, 60 बनानी थी बैंगल्स। मतलब ऐसा हो रहा था कि बस सब कुछ छोड़ो और बस सो जाओ। तो लेकिन उनकी फ्लाइट थी, ऐसे बात है या तो आप ऑर्डर कैंसिल कर दें या फिर आप काम करें। और लेकिन कभी अगर आप इस तरह की सिचुएशन आ रही कि जब दिल चाह रहा हो कि सब कुछ छोड़ो और सो जाओ, फिर क्या करती है? टेंशन से नींद भी नहीं आती है ना? मेरी यही हालत है। मतलब मैं 9 बजे दिल चाह रहा सो जाओ, 9 बजे सोई हूं, सवा 9 बजे आके बिस्तर पे लेटूं, फिर 12 बजे उठ गई क्योंकि उसमें स्टोन्स वगैरह लगाने थे कि उनकी आना था उनको, और मुझे एक और एग्जीबिशन थी वहाँ जाना था। तो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन अस्मा माशाल्लाह आप बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, मैं देख रहा था, इतना खूबसूरत। और मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है ना कि लोग जब कलर्स को लेके काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ रंगों की चीज़ों में, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा हे वायर भी चले जाते हैं। आपने इतने सटल कलर्स रखे हुए, दिखने में भी वो कुछ चीखता वसा नहीं लग रहा। लेकिन वो उस हिसाब से जैसे मैं इंडिया एग्जीबिशन करने जाती थी ना, वो लोग बहुत ब्राइट कलर पसंद करते हैं, तो मैं ना बहुत रंग बिरंगी चीज़ें बनाती थी, मुझे खुद भी बहुत अजीब सा लगता था। असल में वो लोग कहते हैं हमें कलरफुल चीज़ें चाहिए ना, तो उनका स्टोन थोड़ा सा कलर का डार्क रखती थी थोड़ा सा, और जो यहाँ वाले लोग हैं जो बाहर वाले हैं वो तो बिल्कुल ही लाइट टोन मांगते हैं, पेस्टल, वो कहते हैं हमें जितना आप लाइट कर सकते हैं कर दें। ये जिस तरह भी ये छोटे से गांव तक मैं अपने ये बैंगल्स कंगन से है ना, अच्छा अगर मुझे बात बताएंगे जिस तरह मुझे आपको ऑर्डर देना हो, हाँ बिल्कुल, और मैं आपसे कहूँ ये आप पूरा व्हाइट में बना, बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि ये तो मेरा हाथ का काम है, मैं ज्यादातर बन तो जाएगा लेकिन कितने का बनेगा ये तो आपके लिए तो गिफ्ट नहीं, लेकिन अरे लेकिन मैं ऑडियंस के लिए, जैसे मेरा नॉर्मली जो ये पेयर जो बनाती हूँ मैं 3000 का बनाती हूँ, 3000 का बनाती है, उसमें ये कि साइज में जो आपकी होती है डिमांड के 3 साइज होते हैं उस इसमें, लेकिन ये कि अगर कुछ लोग इसमें रिंग की एडिशन करवाते हैं, कुछ इसमें कहते हैं लाइट हमें लॉकेट सेट चाहिए, फिर उसके चार्जेस बढ़ते चले जाते, लेकिन ये चीज ऐसी है वो बाजार में नहीं मिलेगी, नहीं मिलती, वो दिखने में ही इतना खूबसूरत ये। और मेरे पास क्लाइंट भी वही आते हैं जो कहते हैं हमारी जैसी चीज किसी और के पास ना। और आपको पता है कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है नौरीन जिनको देख के ना रहा नहीं जाता, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इतनी देर से और मैं ये चीजें देख रहा हूँ लेकिन दिमाग ना बिरयानी में फंसा है कि ये सब छोड़ूं, ये हर इंसान है ना। अच्छा गुड़िया का किचन हमारे साथ है, हमारे साथ इरम है भाई, इरम के लिए तालियां। और बस इरम बहुत हो गया, अच्छा अब बस मैंने कहा आपसे कोई भी बात करने से पहले हम बिरयानी का पहले एक जो एक वो तो बाइट तो ले रहे हाँ, इसी में खाए या प्लेट में निकाल, प्लेट में निकाल, बात है कि आप मेरे खाने को टेस्ट कर रहे हैं। सुनिए मुझे सिर्फ चावल चाहिए, अच्छा ओके, लेकिन ठंडी हो रही होगी, क्या चीज ठंडी हो भाई, बिरयानी ठंडी है कि कोई मसला, ठंडी हो या गर्म कोई फर्क नहीं पड़ता, बिरयानी बिरयानी होती है,
बिरयानी बिरयानी होती है, ठंडी हो या गर्म, आप कुछ भी बोलने में आपको यहाँ नहीं बुलाऊंगा। अस्मा जैसे नहीं, मेरा जो मेरी जो कजन है ना, वो कहते हैं बंदा जितना भी पेट भरा हुआ हो ना, लेकिन बिरयानी के लिए वो जरूर गुंजाइश निकाल लेते हैं। कसम खुदा की बिरयानी ऐसी चीज है, आप नहीं रुक सकते। और अगर अच्छी बनी हुई, सुने बहुत मजे की है, इसमें जाफरान शामिल किया, हाँ जाफरान शामिल किया, उसका जायका ही आ रहा, बहुत मजेदार है। और ये आधी घर पे भी रख के आई है, आधी घर पे भी रख के आई है बच्चों के लिए। हाँ। मेरे बच्चों को भी पूछ रही थी मैंने, क्या बच्चों को मेरे बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन बहुत मजे की, बहुत मजे की बनाई। मुझे एक बात बताइए, ये आपने जो रेसिपी है जो खुद तकलीफ की है, सास ने बताई, अम्मी ने बताई? नहीं नहीं, खुद ही मैंने इसको बनाई है। अच्छा, खुद ही? नहीं नहीं, रेसिपी जो होती है ना, जिस तरह मतलब हम देखते हैं, हम मतलब ये हम होम शेफ हैं तो हम उसके हिसाब से जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन जो हमारे घर के खाने होते हैं ना, हम वो ही फॉलो करते हैं ज़्यादातर। नहीं नहीं, बिल्कुल, मुझे सिर्फ पानी पीना है अभी। नहीं नहीं, बस भाई क्या हो गया, कबाब बहुत मजे का कबाब है। और वैसे भी स्पेशल थैंक्स शमा का कि उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट करा कि आप आए और प्रोग्राम करें, बहुत अच्छा लगा के। अरे छोड़े शमा का बिरयानी की बात, मेरी अम्मी के, मेरी अम्मी ने मुझे किसी से कहा जो शख्स मौजूद ना उसकी अच्छी बात करो ना बुरी। नहीं, लेकिन माशाल्लाह बहुत मजे की है, थैंक यू सो मच, वो बहुत अच्छी बनाई। सुने आपका आपका जो ये गुड़िया का किचन है, और आपका जो वो ना अपना ये वो खाने में नजर, आप तो मेरी नौकरी के पीछे हाथ धोके पड़ गई है। मुझे मुझे शेफ नौरीन ने कभी इतना नहीं रोका जितना मुझे अस्मा बोलने नहीं दे रही आज। लेकिन अस्मा मुझे बहुत खुशी हुई आपसे। लेकिन अस्मा ये इसलिए कि आप इतने अच्छे हैं तो हम बात करें, वरना बात प्रोग्राम में जाके तो हम खामोश ही खड़े रहते हैं। कौन से प्रोग्राम है? प्लीज उन प्रोग्रामों का नाम लीजिए। ऑनियन नहीं ले सकते। लेकिन मुझे एक बात बताएं इरम, आपका ये जो गुड़िया का किचन है, ये फेडरल बी एरिया से आप रन करती हैं और डिलीवरी ऑल ओवर जी कराची, पूरे कराची में, पूरे कराची में। तो आपकी कोई टीम है या सब कुछ खुद बना रही होती है? सब कुछ मैं अकेले हासिल। माशाल्लाह, ये भी चेक करिए, ये चेक करिए, मैं अकेले हासिल करती हूँ सब कुछ, बल्कि मैं किसी को अपने साथ बर्दाश्त भी नहीं करती। सही बताएं, इनके इशारा आपकी तरफ था, क्योंकि हमें शेफ तो आप ही हैं। देखिए, क्योंकि मैं जो हूँ ना, बस मैं इसीलिए जो अकेले हाथ से बनाती हूँ, देखो मुझे किसी के ऊपर वो नहीं होता है। जब मैं खाना पका रही होती हूँ ना, तो मेरा होता है कि बस मैं जो करूँ ना, बस मेरे हाथ का ही बना। ये सभी का होता है, जैसे मैं किचन में हूँ तो जैसे असफर अक्सर आ जाते हैं मुझे किचन में। मेरी बात करें, मैं आगे मैंने कभी आपकी रेसिपी में तो टांग नहीं लड़ाई, मैं तो हमेशा आपसे पूछ रहा था ये क्या है, वो क्या है, वो आप उससे इरिटेट होती है। देखिए तुम्हें अगर फर्ज करें कोई आपके किचन में आ जाता है और आपसे भाई आप कोई भी नहीं है मेरे पास, कोई भी मेरे शौहर होते हैं बस मैं और मेरे दोनों बेटे, दोनों बेटियों की मैंने शादी कर दी। अरे माशाल्लाह, जबरदस्त। तो उनको भी आपने सिखाया तो होगा खाना बनाना? उन्होंने सीखा ही नहीं, पढ़ रही थी फिर जॉब करती थी। अभी छोटी वाली की तो अभी करी है, एक महीना हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बीफ के कबाब है जी? बीफ, बहुत मजे के, जूसी, बहुत ही अच्छे। कुछ बात कर रहे मैं खा रहा हूँ आपको। मैं जब से सुबह से मैं ही बात कर रही हूँ, हस्बैंड अब आप बात कर। बहुत ही मजे का खाना है, बहुत अच्छा खाना है, और मजा आ गया। एक तो बिरयानी और कबाब, हाँ बहुत ही अच्छे कबाब बनाए हम एक दिन। अच्छा, आप क्या क्या बना लेती हैं वैसे, कुछ पकाती हैं? मुझे अल्लाह का शुक्र है सब बनाना आता है, क्योंकि हमारे यहाँ दावतें भी बहुत होती हैं, तो मेरे भाई तो जब दस्तखान में बैठते ना, ये बनाए और मैंने कहा भाई क्या होटल में बैठे। लेकिन मुझे एक बात बताएं अस्मा, और आप दोनों से मेरा सवाल है, आप लोग लाहौर गए होंगे नेचुरली, पंजाब, वहाँ का जायका आपको कैसा लगता है खाना? सीधी सी बात है, बुरा मत मानिएगा, मुझे लाहौर के खाने समझ में नहीं आए जी। मैं भी गई हूँ, मुझे नहीं पता। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन हमारे अपने टेस्ट की बात है, नहीं हमें रहने वाले हैं ना, उनको नहीं पसंद आता, क्योंकि कराची में सबसे बेस्ट खाना होता है ये। अगर मेरा ये अपना वो है, ये मेरा भी अपना नजरिया है, अपना नजरिया है मेरा, बाकी सबके अलग अलग नजरिए होते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान के हर शहर में नहीं वो है, लेकिन अच्छा हम लोगों को शायद, मेरी मदर भी देवी की है, मेरे फादर लखनऊ के, तो हमारे यहाँ खुद माशाल्लाह से इतना अच्छा खाना बनता है कि हमें कहीं जाके खाना समझ में भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रही हैं, कुछ लोगों का एक टेस्ट बड्स होता है। अच्छा मुझे ना, मुझे मैं जब लाहौर जाता हूँ ना, तो मुझे वहाँ पाए बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, मुझे कराची के अंदर अच्छे पाए मैंने, मुझे पाए सिर्फ अपनी अम्मी के हाथ के पसंद है और नहारी के अलावा खिलाऊंगी।
ही बताएं कब। अभी अम्मी से पूछते हैं फिर आप। ये क्या आप तो आप लंबाई कर रहे हैं। नहीं नहीं, एक ये दो तीन दिन के अंदर जिस दिन पे फाइनल होता है बस। तो मैं भी खिला दूंगी आपको। अच्छा, मेरे पेश पे भी डले हुए। अच्छा, और फिर आप ओवरनाइट बनाती हैं पाए? जी, गाय के ना तो वो तो ओवरनाइट ही बनते हैं, हल्की आंच पे बनते हैं। अच्छा, एक और बात बताएं, जब पेश पे जो पाए डले हुए वो यहाँ कब आ रहे हैं? उनको कैंप चलना शुरू करें। लेकिन अस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इरम, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज लवली हैविंग बोथ ऑफ यू ऑन द शो। आप दोनों बहुत ही जबरदस्त काम कर रही हैं और हमारी दुआ है कि आप लोग इसी तरह तरक्की करते रहे। खवातीन आजाद आपकी स्क्रीन पे, अस्मा रहमान के जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं वो आ रहे हैं, और साथ साथ बहुत ही ये जो लजीज खाना है गुड़िया का किचन, इसके भी सोशल मीडिया के हैंडल्स आ रहे हैं। इन दोनों से चीज़ें ऑर्डर कीजिए, इन्हें सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत ही शानदार पाकिस्तानी है। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन आज रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आपको पता है आजकल जिस तरह की ज़िंदगी चल रही है और जिस तरह की ज़िंदगी गुजर रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश ही तर्क कर दी है। वो कहते हैं बस ये वक्त किसी ना किसी तरह गुजर जाए तो बेहतर है। आपको पता है स्ट्रेस एक बहुत ही आम सी अब चीज़ हो गई है। हर इंसान एक खौफ में जी रहा होता है कि भाई कहीं नौकरी ना चली जाए, सड़क पे जा रहे हैं तो कोई मोबाइल ना छीन ले, बच्चे अगर स्कूल में पढ़ने गए हैं तो आपको एक डर रहता है कि अल्लाह करे भाई सब खैरियत से घर वाले वापस आ जाएँ, बच्चे वापस आ जाएँ। ये जो स्ट्रेस है ये छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों का भी होता है। अगर आप यंगस्टर्स में चले जाएँ तो उन पर बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर होता है कि अपने स्कूल के अंदर एक सर्टन वे दिखने का, एक सर्टन वे में अपने आप को कैरी करने का। बहुत सारे इस तरह के जो लोग अपनी मिड लाइफ में होते हैं उनको एक स्ट्रेस होता है कि यार अब हम 35-40 के अंदर जा रहे हैं, अब आगे की लाइफ कैसी होगी, अब बड़े हो जाएंगे, शायद ब्यूटी चली जाएगी, शायद करियर में वो वाला हाई हमें मिलेगा नहीं। तो स्ट्रेस हमारे ज़िंदगियों का अब एक बहुत ही अटूट हिस्सा बन चुका है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस है वो हमारी बॉडी पे मुख्तलिफ तरीक़ों से असरअंदाज करता है। अब हमें तो नहीं लगता, हम सोचते रहते हैं कि भाई स्ट्रेस हो रहा है, बस बहुत टेंशन में है। लेकिन आप जब उस स्ट्रेस और टेंशन में होते हैं, आपकी बॉडी किन किन अजाब से गुजर रही होती है, किन किन प्रॉब्लम से गुजर रही होती है और बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड करती है स्ट्रेस की हालत में, ये आज हमें बताएंगी डॉक्टर फरहाना रहमान। साल को डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब सबसे पहले शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, जिस तरह अभी मैं बात कर रहा था, आप इस बात से अग्री करती हैं कि स्ट्रेस हमारी जिंदगियों में आजकल एक बहुत ही अटूट हिस्सा बन गया है? बिल्कुल असर, बल्कि अगर आपने जैसे कहा कि लोग स्ट्रेस में होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि स्ट्रेस चल रहा है। कभी हिस्ट्री में ऐसे पूछो कि सर दर्द है या कुछ है तो पूछते कोई स्ट्रेस है? नहीं, मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं। लेकिन एक्चुअली दे आर सफरिंग दैट स्ट्रेस इनसाइड, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन जो भी ऑनगोइंग स्ट्रेस है बॉडी का, उस पर बॉडी रिस्पॉन्स करती है। मैकेनिज्म, अगर आप लोग कभी कैट का रिएक्शन देखा है, जब किसी खतरे को देखती है या कुछ उसको डर महसूस होता है तो किस तरह बिल्ली कैसे हो जाती है, अकड़े हो जाते हैं, दांत निकालती है, मतलब अपने आप को बचाने, और शेप भी अजीब सा हो जाता है। बिल्कुल, बॉडी को बिल्कुल अलर्ट कर लेती है। तो अगर आप सोचें कि एक जानवर का ऐसा रिस्पॉन्स है इतना इंटेंस, तो ये एक इनेट ह्यूमन रिस्पॉन्स है कि कोई भी स्टिमुलस आए इन एनी काइंड, एक एक्सटर्नल होगा और एक अंदर बॉडी का, वो हम बाद में बात करेंगे। तो उसमें बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है बिल्कुल एकदम ब्रेन अलर्ट, एक आपका पूरा एक एक्सेस है हाइपोथैलेमस का, वो आपके किडनीज तक जा कर के एक मैसेज देगा, और फाइट और फ्लाइट एक रिएक्शन होता है जिसमें बहुत सारे जो है आपके एक इमीडिएट रिएक्शन के तौर पर हार्मोन्स रिलीज होंगे, और वो बॉडी को आपकी क्या फीलिंग होती है कि आपका हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, स्वेटिंग शुरू हो जाती है, गला बंद होने लगता है, सांस वो जो है वो हार्ट लगता है कि जैसे भाग जाएगा कहीं पर, गूज़बम्स हो जाते हैं। तो इट्स बिकॉज के सारी बॉडी का ब्लड फ्लो जो है वो ब्रेन जब अलर्ट करता है पूरी बॉडी को, तो इट्स टुवर्ड्स द वाइटल ऑर्गन्स। तो कहीं पर ब्लड सप्लाई जो है दिमाग में नहीं पहुंच रही तो हेडेक हो रहा है, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेशन हो रही, क्योंकि ब्रेन को ये ऑर्डर है कि सारा फोकस करो स्ट्रेस से निपटने के लिए, इस डेंजर से फाइट कूप अप करने के लिए, एनर्जी सारी वहाँ डाइवर्ट हो रही है। अब इसके अलावा एक खाली ये स्ट्रेस नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया या कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या किसी बात को लेकर आप परेशान हैं, इट्स फ्रॉम इनसाइड द बॉडी ऑल्सो, कि कोई बीमारी चल रही है, कोई क्रॉनिक इलनेसेस हैं वो चल रही हैं, तो उसमें भी बार बार
स्ट्रेस आपको उस चीज़ का हो रहा है, ठीक है, और फिर कुछ टाइम के बाद जब आप काम डाउन हो जाते हैं तो वो दूसरा एक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि स्ट्रेस के वक्त क्या हो रहा है, तो स्ट्रेस के वक्त यही है कि एक तो ये कि आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है, उसके बाद जब आप क्रॉनिकली यानी कि रिपीटेड स्ट्रेस की तरफ जब जाते हैं तो बॉडी उसके साथ जो है वो यूज़ टू हो जाती है और वो उसको अंदर 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 वो उसके कहते हैं ना कि स्लो पॉइजन के तौर पर वो चीज़ चलती रहती है। स्ट्रेस जो है वो आपकी अगर हार्मोन्स को छेड़ रहा है, स्ट्रेस हार्मोन्स क्या क्या कर सकते हैं, पहले तो ये कि वो आपको जो एक इमीडिएट आपके थे कि आपकी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, देन वो आपके इम्यून सिस्टम को वीकेंड कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं वो अक्सर बीमार भी ज़्यादा पड़ रहे हैं, हो जाते हैं। वो यही होता है कि आपको तो स्ट्रेस में आप बीमार हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो आपके इम्यून सिस्टम को वीकन कर रहा है। जो स्ट्रेस हार्मोन्स है बार बार रिलीज़ हो रहे हैं, फिर उसके बाद वो आपके इवेंचुअली ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा खासा वीक हो जाता है, क्योंकि बॉडी में ये फिनोमेना है कि जो इमीडिएट स्ट्रेस है उसको तो बॉडी कूप अप कर ली है। अब अक्सर क्या एडवाइस देते हैं डॉक्टर साहब आपको कि आपने क्या करना है जब बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस हो, तो डीप ब्रीदिंग। तो डीप ब्रीदिंग वो जो एक हाइपर अलर्ट सिचुएशन, पैनिक अटैक में भी होता है, पैनिक अटैक में भी और नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस में जैसे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो डीप ब्रीदिंग आपको कैसे हेल्प आउट करती है कि वो एक हाई अलर्ट सिस्टम को काम एंड क्वाइट सिस्टम में ले आती है। डॉक्टर साहब लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं जिनको जब स्ट्रेस अटैक्स होते हैं या एंजाइटी अटैक्स होते हैं उनकी ब्रीदिंग उखड़ जाती है, उनको सांस नहीं आ रहा, तो कहते हैं मैं सांस नहीं आ रहा, मतलब अगर किसी को पैनिक अटैक होता है जी, वो एकदम से कहते हैं मुझे सांस नहीं आ रहा, और फिर वो सांस ना आने की वजह से कोई नुकसान हो जाता है, या वो जबकि अब उनको अगर आप उस वक्त भी समझाएं कि आराम से सांस लो सांस लो, तो वो उस पैनिक में और चले जाते हैं कि मुझे सांस, मेरा तो सांस बंद हो गया था यार जी, वो और ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना कि विशेष सर्कल बन जाता है, वो फीडबैक बार बार मिलता है और ये स्टिमुलस हो रहा है। इसलिए इनकी ट्रेनिंग पहले से होती है कि वेन यू फील के स्टार्ट होने वाले तो तभी से डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, अगर किसी शख्स को किसी भी बात से लेकर स्ट्रेस है या कोई प्रॉब्लम, मैंने जिस तरह एक साहब है उनसे मैंने पूछा कि अब क्या आप स्ट्रेस से गुजरते हैं, नहीं हमें कोई गम नहीं है ज़िंदगी का, तो बहुत सारे लोग हैं आपको पता है तालीम की भी बेइंतहा कमी है हमारे माशरे में, लोग स्ट्रेस को समझते हैं गम, जबकि स्ट्रेस गम का नाम तो नहीं है, स्ट्रेस तो एक तनाव है, तनाव का बेसिकली होता है जो कि किसी भी चीज़ से हो जाता है, और वो मेरे डॉक्टर साहब डू यू थिंक कि स्ट्रेस की वजह ओवर थिंकिंग होती है, हम मुस्तकबिल के बारे में बिला वजह की सोचें अपने जहन में क्रिएट करके उनसे परेशान होते हैं? असफर देखें स्ट्रेस एक स्टिमुलस है, वो कहीं से भी आ सकता है, ओवर थिंकिंग हर कोई नहीं करता, जो ओवर थिंकिंग की जिसको हैबिट हो चुकी है या जो बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंसा रहता है तो वो उसके लिए वो अपने स्ट्रेस को खुद क्रिएट कर रहा है ना, वो उसके लिए स्ट्रेस बन रहा है, वो उससे निकल के उसमें जा रहा है, उससे फिर वापस दोबारा स्ट्रेस में जा रहा है। अगर आप कहें कि किसी को ये भी स्ट्रेस हो सकता है कि मैंने जॉब पे जल्दी पहुंचना है, मुझे देर हो रही है, तो आपने देखा होगा कि जब आप कहीं लेट हो रहे होते हैं तो हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है, स्वेटिंग हो रही होती है, नॉजिएटिंग फील कर रहे होते हैं, क्योंकि GIT मोटिलिटी भी आपकी ख़राब हो रही होती है, नॉजिया फील हो रहा होता है, ब्रेथलेसनेस हो रही होती है, क्योंकि बेसिकली उस वक्त जो है ना आपके एक तो ये कि हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि सारा ब्लड प्रेशर वो आपका जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है कि वाइटल ऑर्गन्स को काम करने के लिए, फिर ये कि अब जब उनको ज़्यादा अमाउंट में ब्लड सप्लाई करना तो हार्ट ज़्यादा ज़ोर से पाउंडिंग, हार्ट के दिल की धड़कन बढ़ गई, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये बिकॉज के अंदर पूरी एक कहानी चल रही है, एक जंग चल रही है अंदर। अब जितने टाइम तक और जितना रिपीटेडली ये होगा उतना जो है इंसान इस सर्कल में फंसता जाता है। फिर आपको एक और बहुत मज़े की बात बताऊँ असफर, कि ये जो है इसका एनजाइटी डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस और जो आपकी नॉर्मल लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है उसका बहुत गहरा ताल्लुक है आपके डिप्रेशन से और इस मेंटल इलनेसेस से। क्या डॉक्टर साहब क्या होते हैं वो? वो आपको एक बहुत डिफरेंट बात बताती हूँ कि हमारी जो गट है, जो हमारा पेट है, वो सेकंड ब्रेन है, उसे सेकंड ब्रेन कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नर्व सेल्स हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हम कहते हैं ना कि बैक्टीरिया हैं, जो गट के बैक्टीरिया वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, वो बहुत ज़्यादा तादाद में है और वो एक ऑर्गन का काम कर रहे हैं और वो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जनरेट कर रहे होते हैं जो ये सारे सिस्टम को मैसेजिंग को हेल्पफुल के लिए हेल्पफुल होते हैं। गट और ब्रेन एक्सेस जो है आप आजकल जिस पे बात हो रही है कि डायरेक्ट बाय डायरेक्शनल है कि ब्रेन से मैसेज पेट में आ रहा है, पेट से मैसेज जो है वो ब्रेन को जा रहा है, तो उस चक्कर में जो है वो जब बहुत सारी स्टडीज़ की गई स्पेशली न्यूरो एनालिसिस के ऊपर, मेंटल एनालिसिस के ऊपर, तो उसमें ये देखा गया कि जो आपका इमोशनल और वो वाला ब्रेन का सिस्टम जो है उसको ये बहुत स्टिमुलेट करता है जब स्ट्रेस होता है।
तो इवेंचुअली ये होता है कि आपका वो थ्रेशोल्ड कम हो जाता है, डोपामिनर्जिक सिस्टम जो है उसका थ्रेशोल्ड कम हो जाता है, उसकी कमी होती है, तो इंसान डिस्ट्रेस में जाता है, डिप्रेशन की तरफ लीड करता है। आपके जो रिवॉर्ड सिस्टम है, गट वाला सिस्टम, वो स्टिमुलेट करता है कि रिवॉर्ड मिलेगा, आपका बिहेवियर अच्छा होगा, उस सिस्टम को इतना डिस्टर्ब करता है ग्रेजुअली विद पैसेज ऑफ टाइम कि आप फिर जो है आपका दिल नहीं लगता चीज़ों में, आपको हर वक्त गम, मायूसी। इवेंचुअली गम आता है कहीं ना कहीं स्ट्रेस में, तो लोग उसको डायरेक्ट उससे रिलेट करते हैं कि गम है तो स्ट्रेस है। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, अगर आपको किसी बात से स्ट्रेस होता है या आप अगर स्ट्रेस का शिकार हैं किसी चीज़ को लेके, तो आप कॉल करके डॉक्टर साहब से इस बात का हल पूछ सकते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। डॉक्टर फराना रहमान हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब आज बता रहे हैं कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी पे उसके क्या क्या असरात मुरतब होते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाता है। जी, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि गट का डायरेक्ट रिलेशन है उसके साथ, तो जब आप स्ट्रेस में और बार बार स्ट्रेस में, तो आपकी जो है वो मोटिलिटी बढ़ती जाती है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी खासी हद तक डिस्टर्ब हो जाता है। एक सिंड्रोम है जिसमें IBS जिसे कहते हैं, वो स्ट्रेस से रिलेटेड होता है, उसमें 27% लोगों को डिप्रेशन या 38% लोगों को एनजाइटी हो जाती है इसी वजह से। और इस स्ट्रेस बेसिकली जब आपका ब्रेन और गट का सिस्टम चल रहा है तो वो मैसेजिंग में वो उसका रिस्पॉन्स यही आ रहा है, और फिर आपका इम्यून सिस्टम डिक्रीज़ हो रहा है, तो आपकी वो जो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो भी ख़राब हो रहा है बॉडी का, कि कुछ आए तो आप उसको प्रोटेक्शन इतनी जल्दी नहीं दे सक रहे हो या इतनी अच्छी नहीं दे सक रहे हो, और आप कंटिन्यूसली बार बार बीमार पड़ रहे हैं। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि मैदा ठीक तो सब ठीक, तो उसके पीछे लॉजिक और साइंस अब यही है। ये बात 100% है डॉक्टर साहब, इफ़ यू ईट बैड ना तो योर स्टमक विल फील बैड, और ये सारा सिस्टम, ये सारा मैसेज आपके ब्रेन को जा रहा है, एंड यू फील लाइक कि अच्छा नहीं है, आपका लो मूड हो जाएगा, आप डिप्रेशन में हो गए, आप स्ट्रेस में हो गए, आपको अच्छा नहीं लगेगा, दिल नहीं लगेगा चीज़ों में, तो इट्स लाइक दैट। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह जिस्म के हाथ पैर, हमारा दिमाग, हर चीज़ को एक रेस्ट चाहिए होता है, हम अपने पेट को रेस्ट ही नहीं देते। पेट काम पे लगा रहेगा 24 हर वक्त, कुछ ना कुछ छालिया, सौंफ, कुछ ना कुछ, हम लोग हर वक्त, मैंने लोगों को देखा है कि बेचारा पेट को रेस्ट नहीं देंगे कि पेट थोड़ी देर उसको बहुत ज़रूरी है उसके लिए रेस्ट, क्योंकि उसको बहुत एक इंपॉर्टेंट काम करना है। और रात को इसलिए लेट नाइट ईटर्स जो होते हैं, जो बहुत लेट नाइट या बहुत ज़्यादा खाना रात को सोने से पहले खाते हैं, वो ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक चार्ट इस वक्त हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, ख़वातीन हज़रात आपकी भी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा होगा। डॉक्टर साहब इसमें लिखा हुआ है कि जो स्ट्रेस से आपके हेयर लॉस हो जाता है, डैंड्रफ हो जाती है, बाल ख़राब हो जाते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है, एक्नी हो जाती है, एंड डिलेड टिश्यू रिपेयर। उसमें देखें सबसे पहले तो ये कि आपका बॉडी, जैसे ब्लड फ्लो एक तरफ जा रहा है तो बॉडी फ्लूइड्स भी सारे मेन ऑर्गन्स की तरफ जा रहे हैं, तो ड्राई स्किन, ड्राई माउथ की जो है अब आपको सारी चीज़ें होती हैं। अब आप अगर ड्राइनेस हो जाएगी ना, तो उससे फिर हेयर लॉस, आपके डेंड्रफ स्टार्ट हो जाएगी, और हेयर लॉस वही कि ब्लड सप्लाई, आपके जो रूट सेल्स हैं, जो हेयर रूट्स हैं, वहाँ पर आपको अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी सप्लाई नहीं मिल रही, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो वो उसकी जो है वो इफ़ेक्टिवनेस या एफिशिएंसी डिस्टर्ब्ड होगी। इसके अलावा आप ये कहते हैं कि जैसे अगर आपको ये इसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से यू लीड टू डिप्रेशन, तो डिप्रेशन बजाते ख़ुद एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं आपके ड्यूरिंग स्ट्रेस, वो आपके लिपिड्स प्रोफाइल को भी ख़राब कर रहे हैं, और वो फिर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो डायबिटीज़, ये सब चीज़ें भी जो हैं बहुत ज़्यादा क्रॉनिकली स्ट्रेस में रहने वालों के लिए ये ख़तरा है कि वो उस बात को सोच लें। अब उस टाइम पे आपका ब्लड फ्लो मसल्स की तरफ भी नहीं है, तो होता है ना कि घुटन हो रही है, कुछ निगला नहीं जा रहा, पानी नहीं पिया जा रहा, तो यहाँ पे जो है वो डिफ़िकल्टी टू सॉलो महसूस हो रही थी, हार्ड टू सॉलो, उस वक्त तो वो आपके मसल में टेंस हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही है, स्टिफनेस महसूस हो रही है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी थोड़ा बहुत ये कि स्ट्रेस के साथ जो है आपका वो डिसमेनोरिया, पेन और मूड ख़राब होना, मूड चेंजेस विद साइकिल्स, वो सब भी शुरू हो जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहें तो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी चार्ट पर लिखा हुआ है कि कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, इंक्रीज रिस्क ऑफ
increased risk of heart attack and stroke. Stroke. वही है कि जब स्ट्रेस से, क्योंकि वही अब कॉर्टिसोल डिस्टर्ब हो रहा है, वो आपका जो है लिपिड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपके एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ेगा, आर्टरीज की नैरोइंग होगी, और उस वक्त जो हार्ट को इतना बार बार काम करना पड़ा, फोर्सफुल एनवायरनमेंट में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ये इवेंचुअली लीड्स टू कि बहुत ज़्यादा टाइम तक आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना रहे तो स्ट्रोक के तो चांसेस हैं और हार्ट अटैक्स भी उसके साथ ही है बिल्कुल, क्योंकि डिसरिदमियाज वगैरह इस तरह के ये सारे चांसेस बढ़ जाते हैं इसके साथ. इट्स नॉट के इन सारी चीज़ों का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये होना है, लेकिन हो सकता है, चांसेस हैं. तो आपने ये देखा होगा, हम जैसे हमारी जो बीइंग फैमिली फिजिशियन, हम लोगों के दो पार्ट्स होते हैं ट्रीटमेंट के, एक फार्माकोलॉजिकल जिसमें हम मेडिसिन देते हैं और एक हमारा नॉन फार्मा होता है विच इज़ नॉट मेडिसिन, दिस इज विच इज़ जनरल मेजर्स कि आप उस चीज़ से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं. अक्सर अगर किसी कोई लिखता हो या आपने प्रेस्क्रिप्शन से देखा हो तो सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट लिखा हुआ होता है. मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, योगा है, डीप ब्रीदिंग है. डीप ब्रीदिंग तो आपकी उस वक्त देर एंड देन का इमरजेंसी टूल है, आपने उसी वक्त स्टार्ट कर देनी. प्लस ये कि आपको जो है वो स्ट्रेस के, आपने देखा कि जो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनके एंगर आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो एक सर्कल में फंसे हुए स्ट्रेस के, वो हेल्पलेस फील करते हैं, वर्थलेस फील करते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिल सकता, तो उनके एंगर आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, वो उनके एग्रेसिवनेस वो ज़्यादा उनके अंदर बढ़ जाती है, जिसका इवेंचुअली रीज़न स्ट्रेस होता है, जिससे वो कूप अप नहीं कर पा रहे होते. डॉक्टर साहब, बच्चों में और यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा अभी कॉमन होना शुरू हो गया पीयर प्रेशर की वजह से. पीयर प्रेशर कॉम्पिटिशन, क्योंकि हमें तो नहीं पता था, हर आजकल तो हर 6 साल का बच्चा कहता है मुझे टेंशन हो रही है, मुझे स्ट्रेस है. डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जो वालदैन है, जिनमें से हम लोग भी, आप हम लोग सब शामिल है, वो देखते हैं हम लोग बच्चों पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन है. कि मैंने इस तरह देखा है कि एक घर है, उसमें एक लड़का होगा 16-17 साल का और 4 बहनें हैं उसकी और वालदेन, एक बेटा, तुमने इन सबका करना है. वो 16 साल का बच्चा जिसने भी डिग्री लेनी है, पढ़ाई करनी है, वो अभी से सोचने लगा कि यार मैं कोई जॉब कर लूँ. अब मैट्रिक के ऊपर आपको पता है क्या जॉब मिलती है, या तो एमबीए करके भी आपको पाकिस्तान में कोई तेजी बढ़िया जॉब नहीं मिलती. बट मुझे लगता है हम खुद अपने फैमिली पे बहुत ज़्यादा बच्चों पे प्रेशर डाल देते हैं, और वो आई थिंक वही स्ट्रेस का बायस बनता है. एक शख्स, आप सोचें, इतनी ज़्यादा फैमिलीज है पाकिस्तान में जो कि एक कमाने वाला होता है और कोई 8-9 लोग घर में मुंतजर होते हैं कि वो कमा के हमारे लिए कुछ लाएगा. आई थिंक वो स्ट्रेस तो फिर बढ़ेगा, और इसी तरह बहुत सारे लोगों की यंग डेथ हो जाती है. सुसाइडल वही ना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एनजाइटी, उसके बाद फाइनली सुसाइडल रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता. इसमें जो फ़र्क आया ना सिर्फ हमारे पेरेंट्स में, हमारे बुज़ुर्गों में और हम में, वो ये आया है कि हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने हमारा ब्रॉटअप रोल मॉडल की तरह किया. वो हमें कहते नहीं थे, वो हमें साथ लगाते थे कामों में, तो इवेंचुअली हमारे अंदर मेच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी. कि अगर आप पहले ज़माने के पेरेंट्स को देखें तो वो बच्चों को ये नहीं कहते थे मजदूरी करो क्योंकि कमाना है. वो मजदूरी पे बाप निकलता था तो बच्चे को साथ लेके जाता था, सुबह पढ़ भी रहा है वो, लेकिन शाम में वो सिर्फ ये दिखाता था कि मेरे साथ चलो हेल्प कर दो घर में. माँ भी बच्चियों को भी माँ साथ लगाती थी, ये नहीं कहती थी ससुराल जाओगी ससुराल जाओगी. ये अभी कुछ भी नहीं पता आगे का, पहले से वो खौफ लेके जाती है कि ससुराल वाले पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, ससुराल पता क्या चीज़ है. पर डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि ओवरऑल अगर आप देखा ही जाए तो हम लोग अपनी बेटियों को पहले से एक चीज़ समझा रहे होते हैं कि कोई शहजादा आएगा और तुम्हारे लिए और तुम्हें ले जाएगा. ना वो बच्ची को हम पढ़ने देते हैं, ना उसको डिग्री देने देते हैं, ना उसको हम कहीं काम करवाते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, खुद मुख्तार हो और अपना शहजादा खुद तलाश करे. ऐसा ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा फर्क. अच्छा डॉक्टर साहब, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे और इम्यून सिस्टम पे भी स्ट्रेस का जी बिल्कुल उस पर मैंने जैसे कहा ना कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जो है वो मूड चेंजेस और पेन चेंज, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है वो बढ़ जाता है. फिर आपके जो है वो हार्मोन्स जो हैं सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जब उधर इफेक्ट होता है तो जो रिप्रोडक्शन के हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, साइकिल डिस्टर्ब होती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, बाकी सारे डिजायर्स कम हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सबको कंट्रोल करने वाला ब्रेन है और उसको उसका रिस्पॉन्स फीडबैक से चलता है. और आप उसको परेशानी में आपने डाला, आप उसको समझ ही नहीं आ रही कि एक फीडबैक कह रहा है करो, एक फीडबैक कह रहा है नहीं करो, तो वो फिर कोई चीज़ ज़्यादा जो नहीं चाहिए वो ज़्यादा सिक्रेट कर रहा है. मैसेजेस उसके ज़्यादा ये जा रहे हैं कि आप ये वाला हार्मोन रिलीज़ करें. स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं ना बच्चे जब गेम खेलते हैं, तो यही तो मसला है आजकल के बच्चों के साथ कि वो जब गेम खेलते हैं वो चंद हज़ारवें सेकेंड्स में उतने लेवल का उनके अंदर जो है वो डोपामिन रिलीज़ हो चुका होता है जो एक इंसान का पूरी ज़िंदगी में ना हो, क्योंकि वो खेलना है, स्ट्रेस है, एकदम रिस्पॉन्स करना है, फ़ौरन डिसीजन लेनी है. फिर इसीलिए ये इन बच्चों को जब गेम बंद करते हैं तो अपनी ज़िंदगी में कुछ आम ही नज़र नहीं आता, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड उनका बहुत ऊपर जा चुका होता है स्टिमुलेट होने का, मोटिवेट होने का, तो वो एनर्जी फील नहीं करते. बच्चों का यही कहना होता है मैं कोई एनर्जी नहीं फील हो रही, डोंट फील लाइक डूइंग इट, क्योंकि वो आपका वो लेवल ही नहीं आ रहा. फिर मेडिकेशंस पर और ये सारी चीज़ों का सिलसिला शुरू हो जाता है
क्योंकि आपका जो है वो गेमिंग डिसऑर्डर भी यहीं से, ये सारी चीज़ें जो है वो जुड़ी हुई हैं। हम लोग अक्सर जो है वो हमेशा मेडिकल उस पर फोकस करते हैं, मेडिसिन फोकस करते हैं, ऑर्गन्स पे फोकस करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि ब्रेन जो सबसे बेचारा सारी चीज़ों को सह रहा है वो उसका क्या हाल हो रहा है सब चीज़ों में। जो स्ट्रेस में होते हैं उनका जो इमोशनल कंट्रोल का सेंटर है ब्रेन में वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और जो आपके डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, जब पोस्ट उनका देखा गया ब्रेन वगैरह पोस्टमार्टम की, बहुत पहले की भी ये स्टडी है, तो उसमें उनका वो वाले सेंटेंस की एट्रोफी हो चुकी होती है, उस सेंटर की एट्रोफी हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन और इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे होते। और डिप्रेशन लीड्स टू सुसाइडल रिस्क फैक्टर है। कोई भी यंगस्टर आए तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि उसका सुसाइडल रिस्क फैक्टर पहले साइट पे करें कि वो कितने चांसेस है, आइडिएशन है उसको, कुछ अटेम्प्ट कर चुका है या नहीं कर चुका, तो ये हम पहले साइड पे रखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपके साथ बहुत हमने शोज़ किए, आपको बहुत बार ये कहते हैं कि डिटॉक्स किया करना चाहिए, लिवर का प्रॉब्लम है लिवर को डिटॉक्स करें, डॉक्टर साहब ब्रेन को कैसे आप डिटॉक्स कर सकते हैं? ब्रेन का देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो एक्सरसाइज है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज के वक्त आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब आप जिम कर रहे हो, जिम करें, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज व्हिच यू कैन डू इजीली, जब उस वक्त जो आपका ब्लड फ्लो और सर्कुलेशन बॉडी में एक अच्छी होती है वो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है, और वो हैप्पी हार्मोन्स ही आपको सारी चीज़ों से फाइट करने में, कूप करने में हेल्प आउट करते हैं। क्योंकि ये वाले जो स्ट्रेस हार्मोन है ये इवेंचुअली सेरोटोनिन जो एक हैप्पी हार्मोन स्लीप हार्मोन है उसको ब्लॉक कर रहे होते हैं, तो आपकी फिर स्ट्रेस वालों की नींदें उड़ गई। नींद ना होना या इनएडुकेट स्लीप ऑल्सो लीड्स टू डिप्रेशन, तो ये सारा एक ऐसा सर्कल है कि जिसको ब्रेक करना है, ठीक है। और उसमें ये कि डिस्ट्रैक्शन, गुस्सा है तो ठीक है गुस्सा है, लेकिन आप समझे, कहा जाता है खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो पानी पी लो, लेट जाओ, बिकॉज व्हेन यू चेंज पोजीशन तो एकदम वो आपका साइकिल या वो सर्कल डिस्कनेक्ट होता है, तो फिर ब्रेन सोच दोबारा एक दफ़ा रिवाइव करते कि अच्छा आप करना क्या। और उसको काम डाउन करने के लिए भी जो है वो आपका क्वाइट सिस्टम तभी स्टिमुलेट होता है कि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं थोड़ी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर आपको कोई क्रॉनिक बीमारी हो जी जी, वो स्ट्रेस में एग्रीवेट हो जाती है। एग्रीवेट बेसिकली जो क्रॉनिक इलनेस है ना वो इंटरनल स्टिमुलस है, जैसे मैंने कहा था बाहर का स्टिमुलस है कोई बात कोई चीज़, जो इंटरनल स्ट्रेस का स्टिमुलस है वो आपकी इलनेस है, डायबिटीज़ है, क्रॉनिक है, चल रही है, वो अंदर ही अंदर आपके स्ट्रेस को और स्ट्रेस हार्मोन्स को जो है स्टिमुलेट कहीं ना कहीं करती रहती है, और वो आपकी इम्यूनिटी, आपका जो है वो सेल लाइनिंग, वो आपकी रिपेयर ऑफ सेल्स, वो सबको डिस्टर्ब कर रही है, तो आपकी वो सारी चीज़ें जो हैं वो उतनी एफिशिएंटली या उतनी हेल्दी नहीं हो सकती जो एक स्ट्रेस फ्री बंदे की होंगी। लेकिन ख़वातीन आज़ाद बात वहीं पे आके रुक जाती है कि एक्सरसाइज करना और अपने आप को फिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ज़हनी सेहत के लिए। अभी आज डॉक्टर साहब ने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए कि अगर आपको स्ट्रेस होगा तो आप सोचिए आपकी पूरी बॉडी कितने ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, और हमें किसी भी सूरत अपने वालदैन को, अपने बच्चों को, अपने घर में वो वाले बच्चे जो कि टीनेज से गुजर रहे हैं उनके अंदर एक हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे हैं और आप उनके जहन पे भी दबाव डाल रहे हैं कि तुमने देखो पढ़ना है और ये करना है, सब को आपको ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनको ज़रूर समझिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कोई इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो हमारा ये वाला जो ख़ास सेगमेंट है उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, ये भी एक सदका जा रही है, क्या पता डॉक्टर साहब की किसी बात से किसी की ज़िंदगी में थोड़ी सी बेहतरी आ जाए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन आज़ाद, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। सलाम अलैकुम, कैसे हैं? बेहतरीन, फ्रेश भी लग रहे हैं, थके थके हुए भी लग रहे हैं, है ना? दोनों लग रहे हैं। बस फ्रेश तो इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि खुशी है कि मैं वापस आ गया हूँ। जी एग्जैक्टली। थका थका इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि आप सामने आपको देख के, आपको देख के मैं थक जाता था कि आप बाकी काम आप करें, लेकिन क्या बना रही हैं आज आप? आज मैं कुछ नहीं बना रही हूँ सर। क्यों? आपने कहा थके थके। वो तो वैसे था कि आप एक्टिव होके फिर अब गाड़ी आप चलाएंगे। सर आज मैं बना रही हूँ हनी ग्लेज्ड विंग्स, जो कि ऑरेंज इसका सॉस बनेगा बहुत अच्छा ग्लेज्ड सा हनी के साथ, तो आज हम वो बना रहे हैं। जबरदस्त, ठीक है, चले मैं रेसिपी की तरफ चलती हूँ। अच्छा, इससे मैंने लिए 250 ग्राम विंग्स है, ठीक है, जो कि स्किन के बगैर है, स्किनलेस है। अच्छा, इसमें हमें क्या चाहिए होगा?
कॉर्नफ्लावर है, चावल का आटा है, राइस फ्लावर है, फ्लावर है जो मैदा होता है, ठीक है, और ये आपका नमक है, ऑरेंज जूस है जिससे हम इसका क्या कहते हैं डिप बनाएंगे, सॉस बनाएंगे, काली मिर्च का पाउडर है, थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस है, ब्राउन शुगर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, हनी है, सोया सॉस है, पेपरिका पाउडर है, और ये आपका वाइट पेपर पाउडर, और ये एक मसाला है जो कि मैंने चाट मसाला, ठीक है, और एक जो नूडल्स का एक मसाला होता है, ठीक है, स्पिगेटीज में जो भी होता है वो पैकेट, मैंने हाफ पैकेट वो लिया था, तो हमने इसको मिक्स करके इसमें डाल दिया है। अच्छा, हम मैं आपको एक और बात बताते चलूँ, ये मेरे पास देखिए विंग्स हैं, ये मैंने घर से मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि ये घर में मैंने बना के रखने होते हैं, क्योंकि ये जो मैं विंग्स आज बना रही हूँ ये आपको फ्रीज करने होंगे कम अज़ कम दो दिन, ठीक, तो ये मैं आपको दिखा दूँ, इसकी फिर इस तरह की शक्ल हो जाएगी फ्राइंग से पहले, क्योंकि जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्पी होंगे, बिल्कुल लाइक टेम्पूरा जो होते हैं फूले हुए, इस तरह से ये होंगे। तो मैं आपको पहले तरीका बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह बनाना है, तो कि आप लोग उसको जिप लॉक बैग में रख के फ्रीज कर दें, ठीक है। ये चले हमने विंग्स लिए इधर, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये वाइट पेपर पाउडर है, ये इसके अंदर जाएगा, रेसिपी कार्ड हमारा चल रहा होगा। अच्छा, ये है ब्लैक पेपर पाउडर, ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये ब्राउन शुगर इसमें ऐड होगी, अराउंड 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये जो मैं आपको मसाला बोल रही थी वो नूडल्स वाला मसाला एंड चाट मसाला मिक्स, ये इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट हसबे ज़रूरत हम इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि वो जो मसाला मैंने डाला उसमें भी सॉल्ट होता है। अच्छा, ये हमारा आ गया राइस फ्लावर, ठीक है, ये इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून इसमें गया, ये हमारा मैदा इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून, ठीक है, और ये हमारा कॉर्नफ्लावर, ये इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पेपरिका पाउडर इसमें जाएगा, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर जाएंगी, और हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ड्राई बैटर में, ठीक है। ये हमने मिक्स किया, ऑयल को आप पहले से प्री हीट करने रख दीजिएगा, वरना अगर आप बाद में करेंगे ठंडे ऑयल में बिल्कुल मत डालिएगा, सारा इसका क्रम्स इधर उधर हो जाएगा। हमेशा जब भी कोई चीज़ फ्राई करें प्री हीट कर लें पहले से ऑयल को। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये अंडे हमारे पास हैं 2, हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे, ठीक है, ये हमने इसके अंदर ऐड किया। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ये थोड़ा सा ड्राई एंड उसमें होता है ये बैटर जो बनता है, ज़्यादा सा रनी नहीं होता। चलें, इतने हम ये मिक्स कर रहे हैं, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं। जी, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं इसमें मिक्स करी थी मैदा, कॉर्नफ्लावर एंड क्या कहते हैं राइस फ्लावर, चावल का जो आटा होता है। देखें, इस तरह से ये मिक्स हो जाएगा, ये इस तरह की इसकी शक्ल आएगी। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको जिप लॉक बैग्स में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर आप इसको स्प्रिंकल कर दीजिएगा जिप लॉक बैग्स में। आपने ये एक एक विंग करके उसमें रखना है, एक में 4 to 8 wings, 5 wings रख दीजिएगा, उसको जिप लॉक करके आपने फ्रीज करना है इसको 2 दिन। उसके बाद आपने इसको डीप फ्राई करेंगे तो ये वाली शक्ल आएगी, तो फिर आप इसको डीप फ्राई कर लीजिएगा, तो ये बिल्कुल टेम्पूरा की तरह फूले फूले लगेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया, अब हम आ जाते हैं अपने फ्राइंग की तरफ। प्री हीट हमारा ऑयल हो चुका है, मैं यही वाले विंग्स फ्राई करूँगी पहले, ठीक है। ये हमने इसको फ्राई, इतने ये फ्राई होंगे तो हम इसका ऑरेंज ग्लेज्ड हनी के साथ हम इसका एक सॉस रेडी करेंगे, ठीक है। इसको हम फ्राई करने रख देते हैं, चमचे बिल्कुल मत चलाइएगा। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि जैसे कढ़ाई ली, ऑयल हमने पूरा फुल कर दिया तो आपने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाल दी, थोड़े थोड़े मतलब 6 से 8 जितनी कढ़ाई उस हिसाब से आप लोग अपनी फ्राइंग आइटम्स डालें, ताकि अगर आप ओवरलोडेड कर लेंगे तो क्या वो पानी छोड़ देगा, ऑयल वो नहीं रहेगा, फिर वो क्रम्स इधर उधर हो जाएगा। ओवरफ्लो कभी मत कीजिएगा। ये हम इसमें डाल देते हैं, अब आ जाते हैं हम अपने सॉस की तरफ। चले जी, इसको हमने नॉर्मल पे, देखिए मैंने इसको बिल्कुल मीडियम लो हीट पे रखा हुआ है, ज़्यादा इसको हाई हीट पे नहीं करेंगे, लो हीट पे ये फ्राई हो रहे हैं। हम आते हैं अपने सॉस की तरफ, हमने ये फ्लेम ऑन किया, अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें,
ठीक है, जो हमने दो से तीन चॉप करके रखी थी, और ये गार्लिक है 1 टेबल स्पून ऑलमोस्ट, ये हमने इसमें थोड़ा सा सॉटे करना है, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऑलरेडी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, डालेंगे ये कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी अराउंड 1 टेबल स्पून, ठीक है, और ये ऑरेंज जूस इसके अंदर हम ऐड करेंगे, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, फ्रेश मिल जाए तो फ्रेश ले लें, वरना किसी भी ब्रांड का आप लोग ऑरेंज जूस ले सकते हैं। ये इसके अंदर जाएगा, सोया सॉस इसके अंदर जाएगा, ठीक है, ब्लैक पेपर पाउडर इसके अंदर जाएगा, पेपरिका पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, और ये आपका वही मसाला जो मैं आपसे कही थी, नूडल्स वाला जो मसाला मैंने बनाया था, ये जाएगा, लीमू का रस इसमें जाएगा, और ये हमारी ब्राउन शुगर इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा बनेगा डिप, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा शहद, 1 टीस्पून इसमें शहद ऐड करेंगे, और ये हमारा है चिली गार्लिक सॉस, ठीक है, ये इसके अंदर 2 टेबलस्पून अराउंड इसके अंदर जाएगा। ये हमारा सॉस इतने ये पकेगा, इसका इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी होगी, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी, थोड़ी सी लग कंसिस्टेंसी जैसे डिप्स के होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐड होगा थोड़ा सा सॉल्ट अराउंड 1/4 टीस्पून, मतलब ये बहुत अच्छा डिफरेंट सा सॉस बनता है, और ये जो विंग्स हैं ये एपेटाइज़र के तौर पे हम लोग अक्सर सर्व करते हैं, क्योंकि कहीं भी जाएँ मेहमानों को घर में बुलाते हैं जो भी, तो सबसे पहले एपेटाइज़र सैलड्स बना लेते हैं हम लोग, सूप सर्व करते हैं, सैलड्स देते हैं, साथ में आपने कोई भी फ्राइड आइटम है, टेम्पूरा प्रॉन्स हो गए, टेम्पूरा चिकन हो गया, विंग्स हो गए, तो इस तरह के आप लोग सर्व कर सकते हैं, और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, ये फ्राइड यू नो फ्राइड विंग्स वगैरह, चिकन टेंडर्स हो गए, फ्राइड विंग्स हो गए। कल मैंने घर में चिकन टेंडर्स बनाए थे, नूडल्स को बॉईल किया, ठीक है, नूडल्स को बॉईल किया, चिकन आपने एक पीस लिया बोनलेस, आपने उसको मैरिनेट किया, जो कि मैंने आपको 10,000 दफ़ा बताया मैरिनेशन किस तरह होती है, उसके बाद आपने उसको डिप किया मैदे के जो लई बनाते हैं या अंडे में, उसके बाद आपने नूडल्स को रैप कर दिया, उसके बाद आपने उसको थोड़ी देर फ्रीज कर दिया ताकि नूडल्स उस पर चिपक जाएँ, स्टिक हो जाएँ, उसके बाद आप उसको डीप फ्राई कीजिएगा, आप देखिए यू विल लव इट। यही चीज़ आप लोग प्रॉन्स के साथ कर सकते हैं, प्रॉन में आप लोग रैप कर दें नूडल्स को बॉईल करके, और फिर आप उसको फ्रीज़ कर दें, थोड़ा वो चिपक जाएगा, फ्रीज़ करने से थोड़ा ये होता है कि वो जब आप फ्राई करेंगे तो वो निकलेगा नहीं, स्टिक हो जाएगा। चलिए देखिए हमारे ये विंग्स भी हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं और करूँगी इनको, लेकिन आप लोग ये वाली चीज़ करके देखिएगा, 2 दिन इसको प्लीज़ फ्रीज़ रहने दीजिएगा। चलिए जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमारे पास कैप्सिकम है, शिमला मिर्च है जो हमने काट के यहाँ रखी हुई थोड़ी सी मोटी मोटी, ठीक है, ये इसमें जाएगा, और ये कोरिएंडर है, हरा धनिया चॉप्ड ये जाएगा। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे नूडल्स को फ्राई किया हुआ है, मतलब नूडल्स को आप लोग उबाल लें, उसको स्ट्रेन कर लें, फिर उसको फौरन डीप फ्राई कर लें, तो वो इस तरह के क्रिस्पी हो जाएंगे, तो ये थोड़ा सा मज़ा आता है इनके साथ सर्विंग होती हैं। हमारे विंग्स भी हम फ्राई, अब थोड़ा सा हम लोग आँच इसकी हमें थोड़ी सी बढ़ा दी है, मैं आपको ये भी एक फ्राई करके दिखा दूंगी, लेकिन ये आप लोग जब फ्रोजन फ्रीज करेंगे ना, उसके बाद फिर ये वाला लुक आएगा जो मैं ये बना के लेकर आई थी, क्योंकि देखिए जिप लॉक बैग्स में रखने से फ़ायदा ये होता है चिपकते नहीं एक दूसरे से, फिर आप हल्का सा जब स्प्रिंकल कर देंगे उस पर कॉर्नफ्लावर जिप लॉक बैग के अंदर ही, तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, और फ्रीज हुई भी चीज़ें तो बिल्कुल वैसे भी अलग अलग हो जाती हैं, तो ये जिप लॉक बैग इसलिए घर में रखा करें, क्योंकि कुछ लोग प्लेट्स में ढक के रख देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, जिप लॉक बैग लें या कंटेनर्स ले लीजिए, प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं उसमें आप लोग एक बटर पेपर को बिछा दें या उसको करके फॉइल को बिछा दें, उसके ऊपर आप लोग रख दें, और फिर आप उसको बिल्कुल कंटेनर को बंद करके आप फ्रीज कर दीजिए, तो आप लोग की ये जो चीज़ें हैं फ्रोजन जो आइटम्स होते हैं बिल्कुल लंबा भी चलेंगे और सही भी रहेंगे। थैलियों में नहीं रखिएगा, थैलियों में चीज़ें बिगड़ जाती हैं। मैं तो कहती हूँ मैरिनेट भी करें ना, तो जिप लॉक बैग लें, आपने उसमें चिकन डाला या फिश डाला या प्रॉन्स डाले, वॉट एवर यू आर मैरिनेटिंग, उसके बाद आपने सारे मसाले अंडा वंडा डाल के आपने जिप लगाया, उसको यूं यूं जल्दी जल्दी शेक किया, उसको अच्छी तरह मसाज किया, शेक किया, फिर आपने वो मैरिनेशन भी अच्छी रहती है, अंदर उनके जूसेस बिल्कुल जूसी बनती है और जूसेस तक चले जाते हैं। चलें जी, ये हमारा देखें सॉस भी थिक हो रहा है, ये देखिए,
ऑरेंज फ्लेवर इसमें आएगा। अच्छा चाहें तो आप लोग इसमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑरेंज जूस के बजाय आप लोग एप्पल जूस भी इसमें यूज कर सकते हैं। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए सॉस की, थोड़ी सी रनी है, थोड़ी सी गाढ़ी है। थोड़ा हम इसका फ्लेम थोड़ा बढ़ा देंगे। चलें हमारे ये विंग्स भी फ्राई होगा, हम इसको यहाँ निकाल लेते हैं। जो इसका एक्सेस ऑयल होगा वो निकल जाएगा। ये हमने इधर रखे, इसको आप लोग पीटा ब्रेड के साथ भी, गार्लिक ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और चाहें तो उसको व्हाइट राइस के साथ भी खा सकते, क्योंकि इसका सॉस बहुत ही जबरदस्त होता है, तो व्हाइट सॉस के व्हाइट राइस के साथ भी आप लोग खा सकते हैं। अच्छा मैं आपको ये एक ऐसी फ्राई करके दिखा देती हूँ, कभी किसी के पास टाइम नहीं होता, दावतें होती हैं तो आप लोग चाहते हैं फ़ौरन विंग्स को हम कर लें, तो मैं ये भी फ्राई करके आप लोगों को दिखा देती हूँ कि रखने से और फ़ौरन फ्राई करने से क्या फ़र्क पड़ता है। ये हमने इसमें एक डाल दिया, हम एक और डाल देंगे, थोड़ा सा हम इस पर ये छिड़क देंगे लाइक राइस फ्लावर, ठीक है ये छिड़क दिया, हम इसमें ये डाल देते हैं। लेकिन आप लोग ये डू ट्राई, आप लोग ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत मज़े के विंग्स बनते हैं, स्पेशली एपेटाइजर्स बच्चे शौक से खाते हैं, सभी लोग खाते हैं, बूढ़े हम लोग सब खाते हैं, तो ये एपेटाइजर्स तो वैसे ज़रूरी होता है, तो ये आप ये बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी हमारा ये सॉस भी रेडी हो गया, हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं अपना काउंटर और हम आ जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। चलें जी देखें ये हमने क्या किया, एक हमने इसमें डाला, मैंने थोड़ा सा इसमें सॉस ऑलरेडी डाल दिया था, ठीक है ये हमने इसमें यूँ डाला, ठीक है ये डाला हमने, ये डाला, ये डाला, और ये हमारे पास स्पून हम ले लेते हैं, और ये जो हमने सॉस बनाया है ये देखें इतना थिक होगा, ये हम फ्लेम ऑफ करते हैं इसका, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और अब हम ये जो सॉस, ये वाले विंग्स हम यहाँ रखते हैं, देखें इस तरीके से लाइक दिस, और ये जो हमने सॉस बनाया था ये इसके ऊपर हम ड्रिजल कर देते हैं यूं करके इस तरीके से। ये बहुत जूसी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि सारी ये क्विकी रेसिपीज़ होती हैं, कोई बहुत मिनट में झटपट बन जाती हैं। ये देखें हमने इसके ऊपर डाला, चलिए मैं साथ साथ ये सॉस डाल रही हूँ तो मैं अपनी रेसिपी भी रिपीट कर देती हूँ। उससे मैंने 500 ग्राम विंग्स लिए थे स्किनलेस, ठीक है स्किन के बगैर, और चाहें तो ये स्किन के साथ और मज़े के बनेंगे तो आप लोग स्किन के साथ भी ले सकते हैं। अच्छा मैंने इसको फिर क्या किया, विंग्स लिए मैंने, उसमें पेपरिका पाउडर डाला, लहसुन का पेस्ट डाला, ठीक है 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाला, ब्राउन शुगर मैंने ऐड करी उसके अंदर, और आपका वाइट पेपर पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, ये मैंने ऐड करके लीमू का रस के साथ मैंने इसको मैरिनेट किया। उसके बाद मैंने इसमें चावल का आटा डाला, कॉर्नफ्लावर डाला, फ्लावर डाला और नमक डाल के मैंने इसको अच्छी तरह ड्राई ड्राई उसमें हमने इसको कोट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें हमने ज़िप्लॉ बैग में हमको उसको रख देना है ताकि हम इसको फ्रीज़ कर लें, जब ये अच्छे खासे फ्रीज़ हो जाएँ, फ्रोज़न हो जाएँ, तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे, भले एक दिन रखें दो दिन रखें लेकिन इसको बिल्कुल फ्रीज़ कर दीजिएगा। फ्रीज़ करके मैं लेकर आई थी, मैंने आपको दिखाया था, जो कि मैंने ये आपके सामने फ्राई किए, हमने इस तरह इसको फ्राई कर लिए। अब आ जाए इसका ऑरेंज, जो हमने ग्लेज्ड हनी के साथ सॉस बनाया था, मैंने इसमें एक कप ऑरेंज जूस लिया था, ठीक है वो मैंने इसमें सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड किया, फिर मैंने इसमें गार्लिक जो चॉप किया था मैंने 1 टेबलस्पून वो हमने इसमें ऐड किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऑरेंज जूस डाला, ब्राउन शुगर डाली, हनी डाला, थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, सोया सॉस डाला, नमक डाला, ब्लैक पेपर पाउडर डाला, पेपरिका पाउडर डाल के हमने इसका ये सॉस बना लिया, ये देखेंगे। और फिर एंड में हमने शिमला मिर्चें और 2 हरी मिर्चों को चॉप करके, थोड़ा सा कोरिएंडर, हरा धनिया या पार्सले, वॉट एवर अवेलेबल एट होम, तो आप लोग वो चॉप करके इसमें डाल दें और ये आपका सॉस। अच्छा ये वाला सॉस अगर आप शिमला मिर्चें नहीं डालेंगे तो ये एज इट इज़ जो सॉस है आप लोग आराम से इसको हफ्ते दो हफ्ते फ्रीज कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, अपनी बॉटल्स में एयर टाइट बॉटल्स जो होती है, जो कंटेनर्स होते हैं, ये आपका आराम से महीना डेढ़ महीना सॉस आपका चलेगा। लेकिन इसमें कैप्सिकम्स नहीं ऐड किए, कैप्सिकम्स के बगैर, ठीक है यही चीज़ आप लोग एप्पल जूस के साथ भी बना सकते हैं और मैंगो जूस के साथ भी बना सकते हैं यही वाला डिप, और ये बहुत मज़े का लगता है विंग्स के साथ। और मैं तो अक्सर ये चिप्स के साथ भी खाती हूँ,
तो ये डिप्स आप लोग बना के रख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, स्टे ट्यून्ड। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। टीवी वन ने हमेशा आप तक पहुंचाए हैं बेहतरीन प्लेज, अपने प्लेज जो टीवी वन के होते हैं वो बहुत ही मुनफरिद होते हैं। और आज रात को 8 बजे आप देखेंगे एक और बहुत ही मुनफरिद ड्रामा जिसका नाम है डबल क्रॉस, शहर की रातों में, और इसको डायरेक्ट किया है इशरत सुहेल ने। चलिए चल के इसका ट्रेलर देखते हैं। उतर उतर, हमारे लिए ये शहर इस वक्त खतरे से खाली नहीं है, हमें फौरी तौर पे निकलना चाहिए यहाँ से। हैदराबाद हैदराबाद हैदराबाद। ओए हेलो, ये तेरा 50-50 वाला सिलसिला मेरी समझ में नहीं आया। तुम लोग आग से खेल रहे हो। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। अभी आपने देखा ट्रेलर शहर की रातें का, आज रात 8 बजे आप देखेंगे ये बेहतरीन प्ले जिसका नाम है डबल क्रॉस। अब आपकी मुलाकात कराते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं और अब बात होगी आपके आपके क्या बल्कि पाकिस्तान के फेवरेट टॉपिक की जिसका नाम है खाना, जो कि हम सब बहुत पसंद करते हैं, गिल्ट फ्री चीज़ है जिसके ऊपर आपकी शरीयत मईशत हर चीज़ बेस करती है और कोई भी गिल्ट नहीं होता खाने में, इसलिए सबको हम कहते हैं कि खाइए, अच्छा खाइए, दिल खोल के खाइए और मिल के खाइए। और हमारे साथ हैं उमर उमारी। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? अच्छा, उमर के साथ हैं मिरवान आबिद, दानियाल अहमद, सुमैया इद्रिस, सुमैया इद्रिस वाओ, अनम अहमद एंड फायजा बिलाल खान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू वेरी मच आप लोग आए। अच्छा, सबसे पहले मैं उमर से पूछूंगा, उमर आप CEO हैं ईट फूड पाकिस्तान के, अब नया क्या करने वाले हैं? सॉरी, नया क्या होने वाला है? नया क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है नया। हमने अभी क्लाउड किचन का एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है पाकिस्तान में फूड पैंडा के साथ। तो बेसिकली क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट, अगर डिटेल थोड़ा बताऊँ, क्लाउड किचन बेसिकली एनी फूड एंटरप्रेन्योर या फूड प्रनोर जो स्टार्टअप कर रहे हैं बिजनेस में, जो कैपिटल दे के नॉट अफोर्ड इट प्रॉपर सेटअप, तो वो बेसिकली हमारे किचन लेते हैं एंड वी प्रोवाइड सीटिंग, वी प्रोवाइड वेटर सर्विस, डिलीवरी। Yeah, like it's a proper restaurant. It's a one-stop shop. It's a proper restaurant. Mm-hmm. And all the kitchens are ready. All you have to do is just bring your tools in, mm-hmm. and we will provide you everything from your delivery to your restaurant to everything. So everything's been catered for and has been thought because of the economy, you know. Okay, mm-hmm. people cannot actually create their own restaurants because startup capital itna zyada hota hai. So what Cloud Kitchens do is it actually takes away from that capital and gives you an already made solution. So all you have to do is just rent it out. Rent it out. अच्छा, और ये ऑल ओवर पाकिस्तान ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ओनली फॉर कराची है? सो वी स्टार्टेड इन कराची अबाउट अ ईयर अगो, अब वी आर प्रेजेंट लाहौर और इंशाल्लाह वी विल बी एक्सपेंडिंग इन इस्लामाबाद। जबरदस्त। क्लाउड किचन का एक छोटा सा पैकेज हमारे पास मौजूद है, प्लीज चल के वो देखते हैं।
अभी आप लोगों ने क्लाउड किचन का ये शानदार कॉन्सेप्ट देखा और आपको पता है आजकल होम शेफ्स बेतहाशा पाकिस्तान में हैं और सब लोगों और बहुत दिन के बाद मेरे ख्याल से लोगों ने रियलाइज़ किया कि खाना पकाना भी इज़ क्वाइट अ थेरेपी। बहुत सारे लोग इंजॉय करते हैं अपने खाली वक्त में, मुझे तो खाली वक्त में सिर्फ खाने का शौक है, पकाने से तो मेरी जान लगती है। बट एनीवे मुझे एक बात बताइए उमर कि अगर बहुत सारे लोग इस वक्त शो देख रहे होंगे और अगर वो क्लाउड किचन से रब्ता करना चाहते हैं, इसका तरीका कार क्या है? कैन दे जस्ट वॉक इन एंड टेल? बिल्कुल, दे कैन वॉक इन ऑल्सो, बट दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन हमारा ईमेल जो है info@ सोशल मीडिया भी है ईट क्लाउड के नाम से, इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर पूरी डिटेल्स हैं। तो होता क्या है कि अगर कोई इंटरेस्टेड होता है, कोई वेंडर या कोई ऐसा आपका फूड प्रिनर, तो होता क्या है कि वो लोग हमें मैसेज कर देते हैं डायरेक्ट मैसेजेस के ऊपर, और वहाँ से हमारे सोशल मीडिया मैनेजर्स उनसे रब्ता करके और बता देते हैं कि इस बंदे को रब्ता करना है। फिर वो पूरा प्रोसेस होता है कि क्लाउड किचन के अंदर किस तरीके से आपने एंटर करना है। अच्छा, क्या कोई क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं आपकी, अपने तौर पे कोई फॉलोइंग हो या आपको कोई खास क्यूजीन बनाना आती हो या आप लोग टेस्ट टेस्टिंग वगैरह करके उनको चांस देते हैं? तो इट्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन के इस वक्त हमारे क्लाउड किचन, क्योंकि एक क्लाउड किचन फॉर इंस्टेंस जो हमारे आयशा मंजिल वाली ब्रांच है या गुलशन में, टोटल सेटअप है 15 किचन के। तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें जितना वेरिएशन ला सकें, ताकि ऑब्वियसली अगर 3 बर्गर वाले हैं तो बिजनेस की कंपटीशन हो जाता है। तो वी ट्राई टू गेट एज मच वेरिएशन एज पॉसिबल। और उसके अलावा हमने अपने भी ब्रांड जो मिरवान एंड फाइजा आर आर लीड शेफ्स, हमारे अपने ब्रांड्स फॉर इंस्टेंस बाउबे है, यल्ला शोरमा है, विंटिंग काटर, सो ये हमारे अपने ऑनलाइन ब्रांड्स हैं। सो देयर इज नॉट अ फिजिकल प्रेजेंस अदर देन विद इन द क्लाउड किचन एंड ऑनलाइन। इस तरह जब कोविड आया था असल में ये क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट उस वक्त वॉज एट इट्स पीक, बिकॉज जाहिर सी बात है गैदरिंग्स वगैरह की परमिशन नहीं होती और रेस्टोरेंट बिजनेस ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया। सो दिस इज़ मेनली ऑनलाइन ब्रांडिंग जिसकी डिजिटली मार्केट होती। सो बेसिकली द रेस्टोरेंट एग्जिस्ट ऑनलाइन थ्रू आर इंस्टाग्राम पेज विच इज़ ईट्स ऑफिशियल। तो ईट्स ऑफिशियल इज़ मेनली अनदर टूल और आर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, जिस तरीके से वी कैन और क्या है रेस्टोरेंट्स अपने इंस्टाग्राम अकाउंट या अपने फेसबुक अकाउंट उसमें कितने फॉलोअर्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कम्युनिटी है ऑलमोस्ट 80,000 है इस वक्त, हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, लेकिन एवरी थिंग टू डू विद फूड is on Eats Official. So if it's not, तो चाहे रिव्यूज हों या कुकिंग हों, रेसिपीज हों या आर्टिकल्स हों या यू नो एवरीथिंग के आजकल क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, एवरीथिंग, इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो हम मार्केट भी करते हैं फॉर द ब्रांड्स दैट आर विद इन अस, सो अनम लुक्स एट द मार्केटिंग फॉर दैट, ताकि एट द एंड ऑफ द डे हम सेल्स आपके किस तरह बढ़ाएं। तो हम वो भी उनका जो एक एक्सपेंस होता है वो भी हम अपने तरफ ले जाते हैं विच इज थ्रू Eats Official, ताकि उनको एक फुल सॉल्यूशन मिले। जाती ब्रांड्स कितने हैं? वी हैव 8 आई थिंक अनम वुड 7 ब्रांड्स, मगर वी आर प्लानिंग टू अपलॉन्च इंशाल्लाह और ब्रांड्स आ रहे हैं। कौन-कौन से? हमारा सबसे पहले जो है वो बाउबे है, इट्स द मोस्ट रनिंग ब्रांड, एंड देन वी हैव यल्ला शवरमा, उसके बाद वी हैव शवरमा एक्सप्रेस, कंग फू एक्सप्रेस, देन वी हैव दाल मास्टर, विंग टिंग, रैप, सो बहुत वेरिएशन है। नाम तो इतने लेके लाए कुछ भी नहीं लाए, बिकॉज आपको बिल्कुल फ्रेश फूड सर्व करना चाहते हैं आप, बिल्कुल हमारे इट क्लाउड आयशा मंजिल लाए। खाना सब शाम को बनता है? अच्छा, बहुत हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, सॉरी टू कट यू, वी हैव टू टेक अ वेरी टाइनी ब्रेक, और बहुत जल्द एक बहुत ही शानदार फेस्टिवल होने वाला है, फेस्टिवल की आपको फुटेज दिखाते हैं और फिर हमारी गपशप जारी रहेगी। मिलता है आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आई एम श्योर आप लोग इस वक्त बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि अभी आपको हमने एक फेस्टिवल की वीडियो दिखाई थी और बहुत जल्द ये फेस्टिवल दोबारा होने वाला है। कब होने वाला है?
festival we'll be having, well, we're actually starting a different this time, aren't January. We? Yeah. Basically, November se shuru ho raha hai, January mein khatam ho raha hai. So, November ke andar hai Islamabad. Phir December ke andar hoga Lahore. We also have Multan this time around. Yeah. Mm-hmm. And then January ke andar we have Karachi. Sumaiya, aap kitne free passes de rahi hain? Kitne chahiye aapko? Let's talk business. Ye isi ki baat sahi hai. Acha, usually jab bhi food festival hum log dekhte hain, uske andar betahasha लोगों का रश होता है. इवन कराची के अंदर तो जिस तरह एक सिनेमा की टर्मिनोलॉजी है, एक खिड़की तोड़ रश होना कि यू नो लिटरली होता है. इवन आपको पता है, जब चूंकि वहाँ पे ये सॉफ्ट ड्रिंक्स के और इस तरह के ब्रांड्स होते, तो हम लोगों को यूजुअली इन्विटेशन वहाँ से होता है. तो इट वॉज यू नो क्वाइट अ डील कि आप वहाँ जाएँ, वहाँ जाके उसको अटेंड करें. लेकिन मुझे जो एक खुशी की जो चीज़ होती है, आपको पता है फैमिलीज के लिए कोई इतनी ज़्यादा जगह होती नहीं कि जाए. और मैंने फूड फेस्टिवल्स के ऊपर मैं जब लोगों को मिलता हूँ, तो वो इस तरह मिला रहे होते हैं, मेरी चची भी आई हुई है, मेरी ताई भी आई हुई है, मतलब पूरा एक खानदान माशाल्लाह. और इतना मुझे अच्छा एक फेस्टिव माहौल लग रहा होता है, सब लोग तैयार हुए हुए तो लुक फॉरवर्ड टू एज वेल. अच्छा, चूँकि हम लोग कराची हाइट्स हैं, कराची में आपका प्लान कर रही हूँ जितने भी फैमिलीज है, वेडिंग सीजन है बेसिकली, तो वो सब एक जगह जमा होते दिसंबर में. वेडिंग सीजन होता है उसके बाद. जिस दिन आई गॉट अ फोन कॉल के फ्रॉम वन ऑफ द वेंडर्स, खाने का, कह रहा है कि मेरा बेटा आना चाह रहा है कनाडा से, वो तो ही वांट्स टू टाइम इट एट द सेम टाइम फेस्टिवल, क्योंकि वो कभी इसने देखा नहीं. सो दे लिटरली प्लान द होल फेस्टिवल. वहाँ पर रियूनियंस लोग प्लान करते हैं. और एक अच्छी बात और भी है कि जनवरी में आप कह रहे हैं ना, बेस्ट बात जो जनवरी की मुझे ऐसा लगती है कि जनवरी मतलब इनफैक्ट नवंबर से जनवरी के बीच में ना आप जंपर्स में और बड़े बड़े जैकेट्स में, आप जितना भी खा रहे हैं ठीक है ना, तो वो जितनी डेवलपमेंट हो रही होती है वो आपको दिखती नहीं है, तो आप गिल्ट फ्री आप खा सकते हैं. लेकिन लेकिन अच्छा, एक और चीज ये भी है कि इस साल माशाल्लाह 10 ईयर सेलिब्रेशन, 11th ईयर है माशाल्लाह. इट्स यू गाइस कम अ लॉन्ग वे. हाउ डिफिकल्ट वाज इट? I can't begin to tell you. I mean, यहाँ पे जो भी public event है, when it involves such a large mass of people, यहाँ पे लाखों की तादाद पे obviously they come, तो security, safety, पीछे जो चूल्हे जल रहे हैं सब, you know, तो लोग तो enjoy कर रहे हैं. I swear, मैंने आज तक अपना festival enjoy नहीं किया, क्योंकि हम back scenes में इतने सारे young people looking at those things, तो tension बहुत है ना. Plus, another thing that we've tried to do is, हमने कोशिश किया कि जितने भी ब्रांड्स हैं, ईटरीज हैं, वो सब लोकल हों. यहाँ आपको कभी मैकडोनल्ड्स या केएफसी डोमिनो कभी मिलेगा नहीं, यू नो, तो जो फॉरेन फ्रेंचाइज. बहुत शुक्रिया अपना नाम लेके. सॉरी, आई एम सो सॉरी, हमारे शहर का बिजनेस तबाह करने के लिए, लेकिन चले कोई बात नहीं. आई एम सो सॉरी बट नॉर्मली जितने लोकल ब्रांड्स हैं हम प्रमोट करने. वी ट्राई टू यूज इट एज अ लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म फॉर स्मॉल ब्रांड्स, ताकि इट्स अ गुड वे टू एक्चुअली गेट ट्रैक्शन. अच्छा, मुझे दूसरी अच्छी चीज़ भी ये लग रही होती है कि जब मैं देख रहा होता हूँ ना, नए लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं फॉर दैट मैटर, और कभी कभी मतलब यू नो व्हेनेवर आई हैव बीन टू दीज फूड फेस्टिवल्स स्पेशली योर्स, तो वहाँ पे कोई एक थोड़ी सी एजड खातून है, वो भी कुछ पका रही हैं, कुछ जवान. बिल्कुल, स्टॉल्स होते हैं. स्टॉल्स होते हैं. इवन लास्ट ईयर हमने एक पूरे कॉम्पिटिशन अरेंज किया था, जिसमें हमने सारे होम बेस्ड और स्टूडेंट्स को चांस दिया था, और हमने फ्री स्टॉल भी दिया था. और ऑब्वियसली आफ्टर लाइक फुल स्क्रूटनी और फुल एक प्रोसीजर के बाद, बट येस वी प्रमोट होम शेफ्स. हमारा प्लेटफॉर्म है ही बेसिकली न्यू कॉमर्स के लिए, न्यू वेंचर्स के लिए, कि वहाँ आए. और आई थिंक उनमें वो पैशन भी बहुत ज़्यादा होता है, यू नो, दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स. बना रहे होते हैं, मुझे तो खुशी होती है मुझे इतने गुडी बैग्स मिलते हैं. अच्छा भाई, ये तो ले जाए, मैं कहता हाथ प्लीज दे दे. अच्छा, मेहरबान किससे नाराज है आप, क्या हुआ है? उर्दू में थोड़ा प्रॉब्लम है, बिल्कुल चुप करेंगे इसमें. Excellent. You guys are coming up with a website as well. We're coming up with an app. Yeah, so with that's an application. App. Excellent. Called Eats App. So the app is actually, it stems from the culture of Pakistan. So you might have heard of something called Karachi Food Diary. There's a lot of these food groups, hai na. So isme ye ek masla hota hai ki you don't know ki kaun post kar raha hai us waqt. Aur usne ek eatery ko pura bash kar diya aur sab uske upar chadh jate hain.
hey, this is a common process. Make or break. We can make or see, break right? businesses. It's make or so break. As serious as that. Now, what we wanted to do is create a platform which obviously emphasizes community, but in it, एक एलिमेंट क्रेडिबिलिटी का भी हो कि यार आप कौन है व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू राइट एंड दैट्स व्हाट ईट्स ऐप इज एक्चुअली ट्राइंग टू डू इट्स नॉट ट्राइंग टू बी एन ऑर्डर टेकिंग प्लेटफॉर्म या डिस्काउंट प्लेटफॉर्म वो तो बहुत है राइट वी आर ट्राइंग टू बी समथिंग डिफरेंट वी आर ट्राइंग टू कम अप विद सम प्लेस दैट यू कैन एक्चुअली हैव अ रेटिंग टू योर सेल्फ एंड एवरी वन एल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि यार हाँ आई शुड लिसन टू दिस रिव्यू और मे बी आई शुडंट लिसन टू द अदर रिव्यू That's the idea behind Excel. कब तक आप लॉन्च हो जाएगी अभी तो हम बेटा में हैं बट वी शुड बी लॉन्चिंग वन ऑफ द मेजर फीचर्स आई थिंक जो ऐप में जो जो आप मिस आउट कर रहे हैं आई मीन श्योर क्रेडिबिलिटी इज अ बिग थिंग लेकिन अगर फर्ज करें हम मुल्तान के अंदर हैं अब मुल्तान के एरिया में या कैंट में वी आर इन एरिया एंड मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया मुझे नहीं पता कि वहाँ का जो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में क्या ऑर्डर करना चाहिए That app tells you कि अगर आप इस जगह में आपको क्या खाना चाहिए तो the app tells you what you want to eat before you want know what hot favorite basically location तो आपको उस आइटम के बारे में बिल्कुल सब पता चल जाता है कि इस रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा चलने वाला आइटम ये है लिहाजा आई शुड ऑर्डर दिस अच्छा मैं जब पहली दफा एक मूवी प्रमोशन के लिए गुजरांवाला गया था जी तो वहां जाके यूजुअली होता है यार ये मंगा दो या वो जो आप अभी नाम आपने ये मंगा तो वहां पे ना मुझे अब मालूम नहीं अब ना इस तरह की कोई एप्लीकेशन थी कि जो आपको आपकी थॉट को सपोर्ट कर सके तो वहाँ ऐसे ही ड्राइवर ने कहा सर यहाँ के तो चिड़े बड़े मशहूर हैं मैंने कहा अच्छे गुजरांवाला में चिड़े मिलते हैं कहता हाँ चिड़े खाते हैं तो ऑफ कोर्स हर जगह की कोई एक स्पेशलिटी तो नेचुरली होती ही है एंड ऑफ कोर्स आई थिंक इस तरह की ऐप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी उमर मुझे आपसे एक ज़ाती सवाल वो ये कि 11 साल आपने गुजार दिए अब आपको ऐसा लगता है कि भाग दौड़ जिस तरह आप कह रहे थे एक बात के इतने सारे मैं फेस्टिवल्स करता हूँ एंजॉय इनमें से एक भी नहीं कर पा रहा हूँ तो आपको ऐसा लगता है कि क्या आप कंपनी या आपकी जो टीम है इस पोजीशन पे है कि अब आप भाग दौड़ किसी और के हाथ में देके एंजॉय कर सकते बहुत अच्छा सवाल लगा इट्स बेटर ये आप क्वेश्चन आप मेरी टीम से पूछें बिकॉज उनको पता है कि वो हर चीज़ के अंदर You know, I have a problem. हर चीज़ में घुसता हूँ. But I think that's a great thing because obviously एक तो इनको experience है, you know, कि festival कैसे होता है, क्या होता है, क्या-क्या mishaps होते हैं. So you know, that's a thing probably वो हमें इन चीज़ों से बचा सकता है. So and the plus point is कि I think he's very open to ideas. तो आप कुछ भी बोलें, जो भी बोलें, तो like सुनते हैं और समझते हैं. So plus अगर festivals की बात आए तो अच्छे-अच्छे initiatives भी लिए हैं festivals में. जिस तरह की अभी बात कर रहे थे कि ऐसे बहुत से food प्रनर्स हैं जो नहीं कर पाते लेकिन उनको प्रॉब्लम जिस तरह हमने कहा था कि फ्री स्टॉल्स देते हैं तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं तो कहीं कहीं भी सॉफ्ट कॉर्नर भी आ जाता है बट जब मैं आई थी मैंने ये सब चीज़ें आप कोई भी काम में एक तो मुझे अच्छी चीज़ हमेशा लगती है कि आप everybody is doing everybody's room. Absolutely. True that. Absolutely. That's true. And secondly, ये होता है कि मैंने इतनी ज़्यादा कभी भी कोई organizations होते हैं जहाँ पे आप ये देखते हैं ना लोग ये कहते हैं no that's all my job. तो वो companies कभी भी successful नहीं होती. बिल्कुल. वहाँ एक ego की war आ जाती है. You know people have very fragile egos. बिल्कुल. वो चीज़ एक बढ़ती है. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. And उमर it's contagious also. अगर आप ये कहेंगे तो दूसरा शख्स ये कहेगा और वो पूरा एक आपको कभी विजिट करना हो तो इज राइट बिफोर द फेस्टिवल जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं हम सबकी क्यूरेशन करते हैं सो वी ट्राई ऑल ऑफ देयर फूड तो हमारे ऑफिस में ऐसे ऐसे चीजें आते हैं खाने के लिए कैन आई अप्लाई फॉर एन इंटर्नशिप यू बट आपका नेवर बी अ शॉर्टेज ऑफ आपका वेट यहां से यहां स्केल आपका वेट स्केल यहां पहुंच जाएगा कोई बात नहीं सर्दी होगी मैंने वो पहना होगा हां कभी मेहरवान अपने वो सैंपल्स ले आ रहे होते हैं कभी फाइजर अपने सैंपल्स सो इट्स कांस्टेंट ईटिंग कभी काटी रोल आ रहे हैं आई डोंट नो इफ यू एवर हर्ड ऑफ काटी रोल्स बिफोर वी आर लॉन्चिंग काटी रोल्स इट्स व्हाट इज काटी रोल दैट्स द कराची काटी रोल That's Faisal's brand. It's something we are doing. We are not into puri paratha, that deep fried one. We are going with the tawa paratha, plain one with a less oil. Then there is an omelette on the top of that paratha. Then there is a lot of chutneys. We have a coconut chutney, then mint chutney, then aloo bukhara chutney.
उसके बाद बारबेक्यू बिल्कुल घरेलू स्टाइल में, नॉट विथ लाइक वो पैकेट वाला मसाला, एंड देयर इज अ कैप्सिकम अनियन एंड देन वी जस्ट रोल इट. सो दिस इज द कराची काठी रोल. ये बेसिकली कोलकाता का कॉन्सेप्ट है, इंडियन से. हाँ, कलकत्ता के अंदर बहुत चलता है. एग्जैक्टली, तो यहाँ पे हम इसको ये शुरू करना चाह रहे हैं. तो फायजा इज बेसिकली उनका ब्रेन चाइल्ड है. एक्सेलेंट भाई, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए भाई इन सब क्रिएटिव लोगों के लिए. आई थिंक फूड भी, आई थिंक खाना भी एक आर्ट का बहुत ही जबरदस्त फॉर्म है. और खाना जितना अच्छा दिख रहा हो और उससे ज्यादा अच्छा अगर टेस्ट कर रहा हो तो बहुत ही जबरदस्त आपको सेटिस्फेक्शन होती है. यू फील really good and we are definitely looking forward to the festival. Umar, Instagram ka jo page hai wo aapke Instagram ka jo page hai uska link is waqt aapki screens par aa raha hai. Waqt ho jata hai aap logo se alvida lene ka. Kal subah fir aapke saath honge ek show ke saath jo ke koshish karega ki aapki zindagi mein thodi bahut contribution kar sake. Aap sabka bahut bahut shukriya. Chal ke ek chota sa package dekhte hain and we'll see you guys tomorrow. Apna khayal rakhiyega. Khuda hafiz.